ઓડિયો વિડિયો કેસેટ સીડીઝ ડીવીડીઝ અને પ્રકાશન સાહિત્ય માટે સંપર્ક કરો સંગીતની દુનિયા પરિવાર મહુવા. ઈમેલ સંગીતની દુનિયા @yahoo.com. વેબસાઇટ www.morari bapu.o. શંકર સુવન કેસરી નંદન તેજ પ્રતાપ મહાજગવંદન વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર રામ કાજ કરિબે કો આતુર પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા રામ લખન સીતા મન વસિયા સૂક્ષ્મ રૂપ ધરિ સિયહિ દિખાવા બિકટ રૂપ ધરિ લંક જરાવા ભીમ રૂપ ધરે અસુર સંહારે રામચંદ્ર કે કાજ સવારે લાય સજીવન લખન જિયાય શ્રી રઘુવીર હર શિવુર લાય રઘુપતિ કિન્હી બહુત બડાઈ તુમ મમ પ્રિય ભરત સમભાઈ સહસ્ર બદન તુમરો જસ ગાવે અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવે સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીસા નારદ શારદ સહિત અહીસા જમ કુબેર દિગપાલ જહાતે કભી કો વિદ કહી શકે કહાતે તુમ ઉપકાર સુગ્રીવ હી કિન્હા રામ મિલાય રાજપદ દિન્હા તુમરો મંત્ર વિભીષણ માના લંકેશ્વર ભય સબ જગ જાના જુગ સહસ્ર જો જન પર ભાનુ લીલ્યો તાઈ મધુર ફલ જાનુ પ્રભુ મુદ્રિકા મિલિ મુખ માહી જલદિ લાંઘી ગયે અચરજ નાહી દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે
सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते के राम दुआरे तुम्हार रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम्हार खवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मढेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर राम चंद्र प्रिय हो राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो उमापति महादेव प्रिय हो पवन सुत हनुमान प्रिय हो बोलो भाई सब संतन प्रिय हो हरि ओम आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो लब्धासो अपरितास उद्विद देवानो यत सदमिद बुधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते रुजुयताम् देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सत्यमुपसेदिमा वयम् देवान् आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयम् पगं मित्रमदिदिं दक्षमश्रिदम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती न सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यो तद्ग्रावान् सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं धिष्णायुवं तमीशानं जगतस्तस्तुशस्पतिं नियं जिन्वमवसे भूमहे वयं भूषानूयत वेदसाम सद्हृदे रक्षिता पायुरदग्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो घृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिश्रमेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु कुशलस्वा मरुत वृष्णीमातर शुभं यावानो विदते सुजग्मय अग्न
अग्निजिह्वा मनवसूर चक्षसु विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विश्वयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षवीर्यजत्राः स्थिरे रङ्गे स्तुष्ट्वां सस्तनूनि यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो मन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रा सो यत्र वितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिषतायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवीशान्ति प्रापश्शान्ति दोषदयश्शान्ति वनस्पतयश्शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति देवारेव देवा यज्ञे देवा इन्द्रः देवा हि भूषण देवा हि देवा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरि ॐ। जय सियाराम। यूं तो है उम्र बहुत छोटी सी, यूं तो है उम्र बहुत छोटी सी, पर हर छोटे से लम्हे को तू जी भर के जी ले। ख्वाब सी जिंदगी में ख्वाब ऐसे बुन, ख्वाब सी इस जिंदगी में तू ख्वाब ऐसे बुन कि लेके रुखसत इस दुनिया से, खुले जब आंख तेरी तब झुक न जाए नजर तेरी। स्वागत है आप सभी का मानस मीरा रामकथा में। आज सातवां दिवस है। चंद पंक्तियां कि ख्वाहिशों के काफिले भी बड़े अजीब होते हैं, ख्वाहिशों के काफिले भी बड़े अजीब होते हैं, ये गुजरते वहीं से हैं जहां रास्ते नहीं होते हैं। गजब का हौसला दिया है खुदा ने हम इंसानों को, गजब का हौसला दिया है खुदा ने हम इंसानों को। वाकिफ हम अगले पल से भी नहीं, वाकिफ हम अगले पल से भी नहीं, और वादे जिंदगी भर के कर लेते हैं। खामोश बैठे तो लोग कहते हैं कि उदासी अच्छी नहीं, खामोश बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि उदासी अच्छी नहीं, और जरा से हंस ले तो मुस्कुराने की वजह पूछ लेते हैं। लेकिन हमारे मुस्कुराने की वजह है क्योंकि हम राम कथा में है। प्रणाम बापू।
बाप, नौ दिवसीय राम कथा के सातवें दिन आरंभ में पुनः एक बार आप सभी को व्यासपीठ से मीरा की इस प्रेम भूमि में मेरा प्रणाम। हम भगवत चर्चा में आगे बढ़ें इससे पूर्व एक तो कल सायंकाल मीरा पर आधारित नृत्य नाटिका का आयोजन हुआ, बड़ा सात्विक। आदरणीय हेमा जी और उनका पूरा कलावृंद ने सुंदर प्रस्तुति की। आप लोगों का इतना आदर उत्साह कि इतनी तादाद में आप लोग वो देखने के लिए आए, फिर व्यवस्था का प्रश्न उठ गया, इसलिए वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। लेकिन आप सबके इस आदर और कला के प्रति आप सबकी रुचि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीरा जी को, हेमा जी को भी बहुत बहुत, उसको जरूर ये हुआ कि मुझे पूरा दिखाना था, लेकिन वो भी केवल आर्टिस्ट नहीं है, अब सांसद भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाती है, इसलिए हुआ। लेकिन बहुत जितना हम देख पाए, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छी विद्या का दर्शन किया, बहुत खुशी हुई। दूसरी बात, आज 31 नवंबर अखंड भारत के निर्माता, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि है, इसलिए उसका जो सपना है अखंड भारत, इस महामानव को भी मैं अपनी भाव भीनी अंजलि देता हूँ। साथ साथ एक समय की हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी, उसका भी आज निर्वाण दिन है, उसके लिए भी मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। आइए मीरा का दर्शन करें, मानस की खिड़की से, मानस के दरवाजे से। बहुत कुछ जिज्ञासाएं हैं, बहुत लंबी लंबी जिज्ञासाएं, इतना पढ़ने में मुझे एक घंटा लग जाए, इसलिए आदर देते हुए रख देता हूं। यद्यपि प्रसंग के अनुकूल प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा है। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीर्थ छांडी ही देहा। रावण जब माँ जानकी जी का अपहरण करके निकला, जटायु ने मुकाबला किया, तब निकट जाकर रावण ने देखा कि ओ, ये तो बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथ के तीर्थ में देह त्याग करने के लिए आ रहा है। खिल्ली उड़ाई, मजाक की, उपहास किया, पूछा है बापू, रावण का हाथ तीर्थ कैसे, कृपया समझा दे। रावण का हाथ तीर्थ कैसे माना जाए? मेरे भाई बहन, इस संसार में सबके हाथ तीर्थ है, चाहे रावण का हो, चाहे राम का हो, चाहे साधु का हो, चाहे शैतान का हो, पॉजिटिव शक्तियों का हो, नेगेटिव शक्तियों का हो। हाथ को हमारी श्रुति परंपरा में भगवान कहा है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवतरह, अयम में विश्व भेषजम, वहां तक का
तो हाथ तीर्थ है, रावण का हाथ भी तीर्थ है, यस। लेकिन कभी कभी हम तीर्थ को अपने कर्मों से बिगाड़ देते हैं, हमारे हाथ को मैला कर देते हैं, हमारे हाथ से ऐसे कर्मों से थोड़ा मल लगा देते हैं। तो रावण ने अपने 200 हाथों से समर्पण की जगह जो अपहरण का रास्ता चुना, उसने थोड़े अपने तीर्थ रूपी हाथ को थोड़ा वो कर दिया होगा। बाकी पंडित था इसलिए उसको विश्रुति का निर्णय पता था कि हाथ भगवान है। हम कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ कहते हैं। तो लेकिन कभी कभी हम तीर्थों को अपने बुरे विचारों से, बुरे हेतुओं से, मलिन इरादों से तीर्थ को तीर्थ के रूप में आने नहीं देते। फिर चिल्लाते हैं कि तीर्थ पिछड़ा रह गया, पिछड़ा रह गया, पिछड़ा रह गया। इस समझ मुझे योग्य नहीं लगती। तो मेरे भाई बहन, रावण का हाथ तीर्थ है, रावण पंडित है इसलिए जानता है कि मेरा हाथ भगवान है इसलिए। और ये समझ यद्यपि उसने उपहास के रूप में बोल गया, लेकिन भक्ति नहीं तो कम से कम आज उसके पास भक्ति की छाया तो है। और भक्ति की छाया जब अपने करीब होती है तब आदमी को अपने हाथों का पता लगने लगता है। भक्ति की छाया तो निकट है, यद्यपि जानकी मूल नहीं है लेकिन सीता की छाया है। साहब, पूर्ण भक्ति तो कोई मीरा पा सकती है, हमारी क्या औकात। लेकिन एक छाया मिल जाए मीरा की इस मेड़ता भूमि से तो भी हमें हमारे हाथ का पता लगने लगता है कि ये तीर्थ है। मैं उस तीर्थ क्षेत्र में पाप किए जा रहा हूं। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, अन्य क्षेत्रे कृतम पापो तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। और क्षेत्रों में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो सकता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है। ऐसी उक्तियां हमारे यहां आई है। तो मेरी समझ में तो रावण का हाथ जो तीर्थ है उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा अच्छा, दिले बेताब के सीने से लगाना होगा, आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा, आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा, सर झुकाया है तो दिल को भी झुकाना होगा। कल जो पंक्तियाँ मैंने उठाई थी, मैं नहीं आता था तो मेरे श्रोता ने मुझे सिखाया कि लो पूरा पाठ पढ़ो, एक एक दो पंक्ति पढ़ के छोड़ मत दो। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पेश करूँ। अपनी सूरत को तू ये जाने वफा यूं न छिपा, अपनी सूरत को तू ये जाने वफा यूं न छुपा, गर्मी ले हुस्न से जल जाए ना आंचल तेरा, गर्मी है हुस्न से जल जाए ना आंचल तेरा, लग गई आग तो मुझको ही बुझाना होगा, दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जिसने पूरा पाठ दिया। बापू मानस के श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन मानस की मीरा ने कुल की मर्यादा तोड़ी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहां तक सिद्ध होती है कृपया स्पष्ट करावे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मानस का राम, और मानस की मीरा ने मर्यादा तोड़ी। मानस के राम कुल परंपरा नहीं तोड़ता है क्या? अब ठीक से मानस पढ़िए। राम भी कुल में तथा कथित परंपराएं जो लगी थी उसको तोड़ देते हैं।
उसका श्रेष्ठ प्रमाण मैं मेरे श्रोताओं को बहुत बार सुना चुका हूं, लेकिन एक बार और आप स्मरण करें, अथवा तो जिसने जिज्ञासा की है उसने न सुना हो। भगवान राम को जब राज्याभिषेक होने की बात आई, गुरु वशिष्ठ के द्वारा राम को खबर पहुंचाई गई कि कल आपका राज तिलक होना है, और आप इतना संयम बरते, फलाहार करें, भूमि शयन करें, इतना व्रत करें, इतना जप करें, क्योंकि आप कल आपको युवराज घोषित किया जाएगा। वशिष्ठ जी तो ये सूचना देकर चले गए। उसके बाद का भगवान राम का विचार जो चलने लगा, उस पर ध्यान दें। भगवान राम अकेले सोचने लगे कि हमारे कुल में चारों भाइयों का जन्म साथ साथ हुआ, हम चारों का नामकरण संस्कार साथ साथ हुआ, हम चारों का यज्ञोपवीत संस्कार साथ साथ हुआ, हमारी पढ़ाई साथ साथ हुई, छोड़ो हमारा विवाह भी साथ साथ हुआ, पूरी परंपरा चली, कहीं भी कुछ टूट फूट नहीं। लेकिन आज मुझे राज दिया जा रहा है, गुरुजी ने कहा, तब मुझे लगता है कि मेरे पवित्र वंश में, मेरे निर्मल वंश में ये एक कार्य अघटित होता जा रहा है, ये अघटित है। ये क्या परंपरा है जो बड़े को ही राज तिलक करें? बड़ा अच्छा न हो तो भी बड़ा होने के कारण, उम्र के कारण, कुछ दिन पहले, कुछ घंटों पहले यदि ट्विंस हो, अथवा तो साथ साथ एक दो सेकंड, एक दो मिनट का तफावत, कोई पहले पैदा हुआ है लेकिन उसमें अच्छे विचार नहीं, अच्छे आचार नहीं, तो भी केवल उम्र के नाते उसको राज देते रहो और प्रजा को दुख देते रहो, ये कैसी परंपरा है? कुल तोड़ी जानी चाहिए। पूरे रघुवंश की परंपरा, यद्यपि अच्छे अच्छे राजा आए, लेकिन राम के आते आते भगवान की सोच ने परंपरा को तोड़ दिया। मानस का राम भी परंपरा तोड़ता है, मानस की मीरा भी तोड़ती है, और मीरा और राम में मेरा कोई भेद नहीं, दोनों में रकार मकार है। राम और मीरा एक मात्र दीर्घ का फर्क है। राम रामी, राम रामी, राम रामी, ऐसे राम बोलो, उधर से मीरा का रामी कर दो, मीरा का उल्टा कर, राम और मीरा में दोनों में रकार मकार। यद्यपि सब में राम है तो मीरा में राम नहीं, मीरा में तो राम लबा लब भरा है। आपको मैं क्या कहूं, आप तो यहां के हैं, लेकिन निकट वाले कभी कभी चूक भी जाते हैं, इस बात को भी आप समझिए। मीरा के प्रमाणिक और प्रमाणित और प्रमाणिक जो जो पद प्रकाशित हुए हैं, प्लीज दर्शन करें, अभ्यास करें। राम नाम के ऊपर कितने पद लिखे हैं इस महिला ने, बहुत पद लिखे। कल मुझे किसी ने एक गजल दी थी, आज सुबह दी, मैं जब वहां था तो एक चिट्ठी मुझे दे दी गई, इश्क की दास्तान है प्यारे,
इश्क की अपनी एक दास्तान होती है, इश्क की दास्तान है प्यारे, लेकिन इस दास्तान को पेश करने के लिए अपनी अपनी जुबां है प्यारे, सब अपनी अपनी जुबां से दास्तान पेश करते हैं। इश्क की दास्तान है प्यारे, अपनी अपनी जुबां है प्यारे, हम जमाने से इंतकाम तो है, हम जमाने से इंतकाम तो ले, हम एक हंसी दरमियान है प्यारे, तू नहीं मैं नहीं, मैं नहीं तू है, अब कुछ ऐसा गुमान तो है प्यारे। अब मुझे ये शेर आपको सुनाना है, रख कदम फूक फूक कर नादा, रख कदम फूक फूक कर नादान, जर्रे जर्रे में राम है प्यारे। इसलिए पैर रखते समय तू सोच, यहां सब कोई परम चैतन्य से लबालब भरा है। तो मीरा में ना हो, मीरा राम है, राम मीरा, हम सब में राम है, मीरा में तो जब कबीर कहते हैं मैंने पूरा पाया, मीरा ने भी पूरा पाया। नाम भेद विधि किन, तो मानस के राम ने परंपरा तोड़ी। अब इस पंक्ति पर ध्यान दें, विमल वंश यह पर्टिकुलर, यह वहां उंगली लगाई राम ने, विमल ये सूर्य वंश, ये भानुकुल, विमल वंश यह अनुचित एकु, विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बढ़ेगी अभिषेक, बंधु बिहाई बढ़ेगी अभिषेक। मेरे निर्मल वंश में ये अघटित होने जा रहा है कि बंधुओं को छोड़कर मुझे ही राज दिया जाए, परंपरा में मैं बड़ा हूं इसीलिए, लेकिन मैं पूरा कहां हूं, पूरे को राज दो आधे को मत दो। अर्ध भाग कौसल्य ये प्रभु की सोच है, यद्यपि ब्रह्म पूर्ण है, राम सोचते हैं कि मुझसे मेरे छोटों को ज्यादा मिलना चाहिए, और यदि भरत या किसी को राज मिल जाए तो अभी तो उम्र के कारण मैं बड़ा हूं, और फिर आज जितना बड़ा हूं इससे भी बड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि आज तो मैं भरत का बड़ा भाई हूं, उसके बाद तो राजा भरत का बड़ा भाई हो जाऊंगा। ये कुल मर्यादा तोड़ी जा रही। नंबर दो, विश्वामित्र क्या मांगा, विश्वामित्र अनुज समेत निशिचर बध में हो सना, अनुज समी दे रघुना निशी चर बध
मैं वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसा नहीं बोले कि लक्ष्मण सहित मुझे राम दे दो, वहां शब्द प्रयोग अनुज है, अनुज में तीनों आ जाते हैं भरत लखन शत्रुघ्न क्रम में। मेरी समझ में क्रम में भरत को साथ लेना चाहिए था, क्रम तोड़ा। आप कहेंगे कि भरत जी ननिहाल में थे, दो दिन रुक जाते विश्वामित्र, मुझे पूछते तो मैं विनती करता बाबा रुक जाओ, खैर जो दो तीन दिन, इतनी आपने प्रतीक्षा की है, बार बार यज्ञ भंग होता है, आप बहुत समय से चिंतित हैं, कुछ दिन और ठहर जाते। कोई अच्छी यात्रा में आदमी जाता है तो क्रमशः ले जाए, क्योंकि तीसरे नंबर को उठा जाए तो दूसरे का दिल दुबने का संभावना है, मुझे छोड़ दिया, एक स्वाभाविक अर्थ हो गया, हो सकता है। वहां राम ने फिर क्रम तोड़ा, लखन को लिया, लगा कि भरत संत है, लखन जरा और तेजस्वी है, इस मेरी पद यात्रा में, इस मेरी यज्ञ यात्रा में लक्ष्मण की ज्यादा जरूरत है। यद्यपि भरत शीलवंत है, लक्ष्मण में शील नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी कभी कभी उग्र हो जाते हैं, भरत शीलवंत है, लक्ष्मण बलवंत है, इसलिए कभी कभी यात्रा में मैं बलवंत को भी साथ रखूं। अब मैं आपसे पूछूं कि जब धनुष किसी राजा ने नहीं तोड़ पाए तो जनक राजा कुल आ गए, बहुत कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि सब निकल जाओ, राजे महाराजे भाग जाओ, अब बिल्कुल छात्र धर्म से रहित हो चुके हो, किसी में वीरता नहीं, जाओ। उस समय भरत साथ में होते चुप बैठते, राम 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 राम, शांतम पापम शांतम पापम, हरि हरि, ऐसा करते। वहां लक्ष्मण की जरूरत थी, जनक कही जैसी अनुचित बात, वहां क्रम टूट जाता है। ठीक है, नामकरण में क्रम तोड़ दिया, पहले राम का नामकरण योग्य, उसके बाद भरत का नामकरण बिल्कुल योग्य, तीसरे स्थान पर शत्रुघ्न का नामकरण, क्रम तोड़ा, परंपरा टूटी, बिल्कुल छोटे का नाम तीसरे स्थान पर, लक्ष्मण जी को बिल्कुल अंत में रख। जो अंत में रहने को तैयार हो वो सदा साथ रहने का अधिकारी बन जाता, जो कायम आगे और साथ में रहने की कोशिश करेगा वो मानसिक रूप में अंतिम हो जाएगा। आज भी मंदिरों में दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, भरत नहीं, टूट रही है परंपरा की नहीं, भरत रखना चाहिए, भरत परम संत है, पंचायतन में जरूर भरत है, लेकिन जहां चतुरायन है, भरत राम अरे लक्ष्मण राम जानकी आगे हनुमान जी, पांचवा तो कोई है नहीं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा ऋतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम, बाबा विश्वामित्र बोले। युद्ध शुरू हो जाए तो सबसे बड़े ने पहले युद्ध में नहीं जाना चाहिए, क्रम तोड़ा, छोटे को चढ़ा दो, राम को पहले दिन युद्ध में जाना चाहिए था, और कभी तभी से ऐसा होता जा रहा कि निवेदन दिल्ली में होते हैं, मरते हैं बॉर्डर पर, राम भी कई क्रमों को, स्थान काल घटनाक्रम पात्रों के संदर्भ में परंपरा को इधर उधर करते हैं,
राम लकीरों के फकीर नहीं है कि रेलवे लाइन की तरह समांतर जाएं कि कहीं मिले ही ना। राम गंग धारा है क्योंकि राम कथा गंग धारा है। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी। तो आपकी बिलक ढंग की मीरा को जोड़ा है इसलिए मैं जोड़ देता हूं, बाकी इस पर गुरु कृपा से बहुत कहा जा सकता है कि कहां कहां पूरी परंपरा को इधर। इसलिए मेरा एक शब्द पूरे विश्व के सामने है कि प्रवाही परंपरा होनी चाहिए, जड़ नहीं कि उसमें संशोधन न हो। श्रीमद् भागवत जी के वक्ताओं के लक्षण गिनाते हुए महात्मा में ऐसा कहा गया कि वक्ता कैसा होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्र में पुराणों में अपने अद्भुत ग्रंथों में मूल को पकड़कर नए नए फूल खिलाए। संशोधन जरूरी है, पिटी पिटाई बात न चले, व्याज भी करो थोड़ो, शांति राखो, हकू पकड़ भी थोड़ो व्याज भी करो, 9 लाख घोड़ा न हो। साहित्य के अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में ठीक है, हकीकत क्या है? संशोधन जरूरी है और संशोधन में शास्त्र स्वयं आशीर्वाद देता है। शास्त्र कोई जड़ पदार्थ नहीं कि एक ही है, वो तो एक जल है, उसको कई मोड़ में बहने दो। अब आई मानस की मीरा की बात जो आपने पूछा कि मीरा ने मर्यादा तोड़ी। मैं एक निवेदन करूं, मीरा का प्लीज 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 वर्तन मत देखो, उसका नर्तन देखो। रामकृष्ण परमहंस ऐसे पड़े रहते हैं बैठे, राम रमण महर्षि एक गुफा में बैठे रहते हैं, आपको लगेगा कि ये क्या सिद्ध है, ये बुद्ध है, ये पहुंचा हुआ है क्या? कुछ लगेगा नहीं, उसके भीतरी हलचल को देखो। आप इसीलिए कहते हैं ना कि लोकलाज, मीरा ने तो कबूल कर लिया, लोकलाज खो दी लो, लेकिन कल जो प्रस्तुति हो रही, भोजराज कितना सहाय कर रहा था। यद्यपि साहित्य, मैंने हेमा जी को भी कहा कि आपने बिल्कुल इतिहास को पकड़ा और ज्यादा आपने अच्छा दिखाया भोजराज को, राज महल में कृष्ण मंदिर बना देता है, साधु ऐसे लोग अपना काम करके पहले निकल जाते हैं, ज्यादा रहते नहीं, ज्यादा तो रहते हैं जहर पिलाने वाले, अमृत चखने वाले तो जल्दी निकल जाते हैं, 2 घूंट पीकर अमर हो जाते हैं। धन्य है भोजराज को, उदाबाई को भी अपनी बहन को भी डांटा, ये सास ननंद ने बहुत वो किया, मैंने चित्तौड़ में कहा था, आज भी लोग सास ननंद से बचने की कोशिश करते हैं। हर एक घर में एक CID होता है, हमारे गुजराती में एक लोकगीत है, नण दीजे जय सासू ने संभळावी,
दिए जय सासू ने संभला अभावी करे छे अपना घर नी मेरे लय में चलो बेटा अभी करे छे अपना घर नी बात जो अबौवे युवको व्या मोटा धीरे बहुवे ननदी जाकर सास को कहती है भाभी ने अपने घर को बदनाम कर दिया ऐसे शुरू होता है विग्रह संघर्ष और सासू ने जाकर वो बूढ़ा उसका पति हुक्का पी रहा था उनके पास जाकर कहा सासू ने जय ससरा ने संभला आवाउ करे छे अपना घर एक साधु चरित पति था उसने बहुत आप कई लोग कहते हैं कि बुरा करते हैं वो लंबा क्यों जीते हैं बुरा करते हैं सुख चैन में क्यों रहे रहना ही चाहिए अमृत पीने वाला ज्यादा नहीं टिकेंगे सहणु मानस लाभत नाही एक कहावत है अच्छे लोग ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते विवेकानंद कितनी उम्र में चले गए जगतगुरु शंकर 32 साल की उम्र में चले गए यद्यपि इसका मतलब ये नहीं कि तुलसी बहुत दीर्घायु है तो वो है नहीं अपवाद ईश्वर की सृष्टि में भगवान जो चाहे लेकिन बहुधा अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं अच्छे लोग मार खाते बुरे मौज करते लेकिन उसके दिल में पूछो वो सो नहीं पाते तो जहर पीने वाले पिलाने वाले लंबा जी ले भोज चला गया मेरे कहने का मतलब मेरे भाई बहन बर्तन मत देखो तो क्या करती थी वो नाची और नाचना कोई बुरा है भक्ति न नाचेगी राम काल में भक्ति थी लेकिन शबरी बहुत नाचती नहीं दिखाई देती है बैठी है गुरु के वचन पर नृत्य करती नहीं वरना आदिवासीनी महिला थी वो नाच सकती थी लेकिन नृत्य करती शबरी को नहीं दिखाई मानस में भक्ति का नर्तन कम मिलता है मैं अभी आपको यह अच्छा किया आपने मुझे ये प्रश्न पूछा उकसाया मुझे मानस में नर्तन करती है माया माया खलु नर्तकी बिचारी भक्ति नहीं जहां भक्ति पलाठी लगाकर बैठ चुकी थी उसी भक्ति यद्यपि मानस के पात्र नृत्य करते हैं मैंने कल भी आपके सामने कुछ जिक्र किया कृष्ण अवतार में खुद अवतार ने निर्णय लिया कि मैं नाचूंगा कृष्ण नाचने लगा नचाने लगा पूरे संसार को रासमय कर दिया रसो वाई सह श्रुति के वचन को सिद्ध कर दिया मुझे लगता है फिर बुद्ध आए महावीर आए 2500 साल पहले भक्ति कहीं फिर बैठ गई पलाठी लगा या तो उसको नाचने की मंजूरी नहीं मिली ज्ञान ज्ञान ध्यान बैठे रहो बस नाचना गाना मना है ऐसा कर दिया किसी विशिष्ट महापुरुष का अपना स्वभाव है तो वो स्वभाव रखे दूसरे ऊपर थोपे ना नर्तन रुक गया था फिर उपकार मानो मीरा का फिर उसने घुंघरू बजा दी फिर उसने जगत को नृत्य का वरदान दे दिया उजागर कर दी भक्ति के नर्तन को
मीरा ने तो चुका गया जो भाग था उसको पुनः आगे बढ़ाया। ये प्रेम दीवानी है, दर्द दीवानी है, रूप दीवानी थी, नाम दीवानी, संत दीवानी, करेगी क्या? प्लीज उसका वर्तन मत देखो। पात्र लोहे का है लेकिन देखो उसमें भरा क्या है, दूध पी लो। पात्र सोने का है देखो उसमें भरी ही शराब, मत पियो। अंदर क्या चीज है, मीरा के भीतर क्या है? बर्तन का एक अर्थ पात्र भी होता है। कल तुम्हें बहुत से प्रश्न आते, छोड़। कल कहा कि राजपूती मीरा क्षत्रियाणी थी, क्षत्रियाणी में भक्ति हो सकती, क्षत्रिय में तो वीरता होती। अरे साहब आप बहुत बड़ी नासमझी दिखा रहे हैं, भक्ति वीरता के बिना हो ही नहीं सकती। कायर भक्ति कर सकता है साहब, भक्ति क्षत्रियों का स्वभाव है, भक्ति बलिदानी होती है, भक्ति में कुर्बानी होती है। मार्ग छे शूरा पुराणो आम कायर नर नु काम नथी, अमार्ग छे शूरा पुराणो, भक्ति छे शूरा पुराणो। अरे कृष्ण भक्ति न हो तो राष्ट्र भक्ति राणा में क्या थी? महाराणा प्रताप भक्ति ही तो थी, राष्ट्र भक्ति थी। राजस्थान के जितने जितने लोग हुए थे भक्ति से लबालब भरे हुए। इस प्रदेश का गौरव करो, इसकी अस्मिता को भूलो मत। मूल जो अस्मिता भीतर पड़ी, ब्रिटिश सल्तनत के समय अंग्रेजों का एक कुंजर नामक वायसरॉय था, उसने मैं राजस्थानी ना, राजस्थान के एक बिल्कुल अत्यंत कोई पिछड़े हुए इलाके से एक आदमी का नाम सुना, उसने अपने वायसरॉय भवन में बुलाया और 30 पंडितों को इकट्ठा किया। ये इतिहास है साहब, शायद मैंने चित्तौड़ में कहा कि नहीं, खबर नहीं, कहा हो तो मैं पुनरुक्त कर रहा, आप भूल न जाए, कहीं भूल न जाए उसकी, जरा याद करो कुर्बानी। वो देहाती लकड़ी लेकर राजस्थान का बूढ़ा गया वायसरॉय भवन में और 30 पंडित बिलक बिलक क्षेत्र के धुरंधर महामहिम बैठे। अरे बुजुर्ग तो बेचारा नीचे बैठ गया। वायसरॉय ने कहा कि हमें आपसे कुछ जानना है हुजूर। हुकम हुकम हुकम। तो उस समय वायसरॉय भवन में भी पावर चला जाता था, आप खुश रहे इसलिए मैं कर रहा हूं सब साहब, कि 3 दिन आप मुस्कुराते हुए जाइए, क्योंकि आप राम कथा में, ये हमारा उद्घोषक जी बिल्कुल छोटे से वक्तव्य में बहुत सुंदर बात कहकर माइक छोड़ देते, ऐसा ही होना चाहिए। कभी कभी क्या है, कमरे से बाथरूम बड़ा हो जाता है। उद्घोषक इतना बोले कि वक्ता को, फिर उद्घोषक क्या बोलता तो ही जाए, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, बापू को ही सुनना है, पर सुनना मुझे बोलने दे तो ना। अच्छा लगता है भैया, बिल्कुल स्वीट। 1 मिनट में मेरा तो ध्यान चिट्ठियों पढ़ने में होती है, तब तक तो बापू जैसे आराम पूरा हो जाता। मुझे तो अच्छा लगता कि और बोलते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं समय लेते, 5 मिनट बोलते तो कोई वो बिगड़ नहीं जाता था। लेकिन ये अपनी अपनी वो है। बहुत अच्छा भैया, खुश रहो। हुकुम
अब क्या हुआ ये बनी घटना मैं आपसे बताऊं। राजस्थान का गौरव करो, ये बूढ़ा आदमी बेचारा जर्जरित कपड़े हैं बेचारा, उसको हक्का बक्का जैसा हो गया कि मैं मुझे कहां लाया गया, मैं ये कहां हूं, मुझे वो पंक्ति याद आती है, यहां मैं अजनबी हूं, मैं जो हूं बस वही हूं, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकार हिमालय की गोद में, किसका एक गीत जब जब फूल की, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकार बेचारा बैठा है। अब पंडितों को कहा आप एक वाक्य सब बिलग बिलग एक वाक्य बोले, लेकिन एक साथ न बोले, पहला पंडित जो वाक्य बोलना निर्णय किया हो इनमें से एक शब्द, चार शब्द का पांच शब्द से ज्यादा वाक्य न हो, अथवा तो हो सके तो तीन शब्द का ही वाक्य आप बोले। वायसरॉय ने एक मर्यादा बांध दी और कहा कि पंडित जी आप पहले बोलो, और बूढ़े दादा को कहा आप सुनो, अच्छा ठीक है, फिर दूसरे को कहा आपके वाक्य का पहला शब्द बोलो, दूसरा बोलो, दादा ने सुन लिया, फिर तीसरे को कहा आप बोलो, तीसों को वाक्य का पहला पहला वाक्य सुनाया गया, बुलवाया गया, इस राजस्थानी बूढ़े ने सुन लिया, फिर कहा अब दूसरा बोलो पहले पंडित को, वो दूसरा वाक्य बोला, तीसों ने दूसरा बोला, बूढ़े ने सुन लिया, फिर कहा तीसरा वाक्य बोलो, एक एक वाक्य, एक वाक्य के बाद 30-29 वाक्य का गैप था, फिर उसी वाक्य का दूसरा शब्द आता था। उसके बाद वायसरॉय ने कहा आप 30 कौन वाक्य बोला वो बोल सकते, हुकुम, राजस्थानी खड़ा होकर तीनों के वाक्य को बोल देता है, विशिष्ट स्मृतियां एक वरदान होती है साहब, इसका गौरव करो, ये ऐतिहासिक घटना है। लॉर्ड कर्जन वायसरॉय, ये भूमि है बड़ी अद्भुत है, वीरता के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, भक्ति छे शूरा पुरानी पछिथाई कसोटी पुरानी, नहीं तो थाय भजे अधूरानी, नहीं तो हाय भजे ती अधूरानी, आकायरनु शनगार नथी भक्त छे सूरा पूरा, कायर नरेला काम थी भक्ति छे सूरा पूरा, वाले केसरी को कदीना सिंह, वाले केसरी को कदीना करे ये प्यो पाछो कदी न फरे, चाहे आप मरे कभी जाने मरे, पण पाछा करला भर तो नथी मारग छे सुसुरा, काम नथी मारग छे सूरा, भक्ति कोई वर्ण का विषय नहीं हो सकती, भक्ति कोई नाच जात का विषय नहीं हो सकती, भक्ति कोई भाषा और प्रांत का विषय नहीं हो सकती। मेरा मेरे गोस्वामी जी कहते हैं जात पात कुल धर्म बड़ा धन बल परिजन आदि आदि में भक्ति गिरफ्तार नहीं हो सकती,
सौराष्ट्र की गंगा सती, गंगा मीरा, सौराष्ट्र की मीरा गंगा सती कहती, जाती रे पाती नहीं हरि नाथ देश, मेल वो वर्ण नो विकार। अंत्यज भी भक्ति कर सकता है। चोखा मेला साउथ का परम भक्त। तो मीरा के बर्तन को मत देखा जाए, उसके नर्तन को देखो। कोई हिम्मत तो करे राज में रहकर, कोई नाच कर तो दिखाए, कठिन। और आप याद रखिए मेरे भाई बहन, गाना हो नहीं तो नाचे बिना आप रह ही नहीं सकते। आप कोई भी गाओ, मैं गाऊं, कोई भी गाए, नाच करना ही पड़ता है। खड़े रहकर ना करो, बिना घुंघरू करो, लेकिन आपका हाथ ऐसे हो जाए, अदाई मुद्राएं शुरू हो ही जाएगी। हजड़ बम थिन गाऊं मुश्किल है। किसी को ये विशेष उपलब्धियां होती हैं, अल्लाह उसको उम्र लायक करे। खंभे की तरह गाते रहते बस। मोरा दर तेरा मोरा मन दर्पण कहलाए, बिल्कुल खंभे की तरह। कहीं हमारे वक्ता बोलते हैं बिल्कुल, बोले एक घंटा हिले ना डोले ना, अपने को लगे क्या कर रहा है। आपका हाथ आप घुटन पर ताल देने लगो, ये सब नर्तन की मुद्राएं हैं। आप ऐसे डोले बिना रह ही नहीं सकते, भक्ति नचाएगी। मीरा जब, और ध्यान देना राव दुदाजी, जब जब मीरा को मेड़ता, अब ये मेड़ता और कुकड़ी का विवाद में उसमें जाना ही नहीं चाहता, जो आप समझो, लेकिन जब अपने छोटे बेटे को राज दे दिया, कुड़की का 12 गांव का इजारा दे दिया मीरा को लेकर, आप फिर वहां मीरा का वो जन्म हुआ कि जो हुआ, फिर जो बड़ी होने लगी और यहाँ आई, जो हुआ, दुधा जी ने व्यवस्था की थी कि उसको गायन और शास्त्रीय संगीत सिखाया जाए। मीरा सूर में नाची है, ताल में नाची है, विद्या प्राप्त की है मीरा ने। आदमी गाएगा तो भीतरी आत्मा भी नृत्य करेगी, जरूर नाचेगी आत्मा। हमारे देहातों में जब नवरात्रि में गरबी गाई जाती थी ना, तो साहब लोग घूमे गाए, देहाती गरबियां नवरात्रि में, और जो गवाने वाला होता है ना वो उल्टा घूमता है, वो नाचता है, सब गर ऐसे ऐसे जाते हैं, तो ऐसे ऐसे ए ओधा जाने रे एने हमें जानिए, ये वर्तुल ऐसे जाता है और ऐसे हो जाता है। नृत्य के बिना हो ही नहीं सकता। आपको नहीं लगता कि मेरी कथा नृत्य है? मैं नाचता हूं, मैं बोलता गाता कम हूं, मुझे आप ठीक से थोड़ा थोड़ी अपनी आंख का ऑपरेशन करा कर देखो, मैं नाच रहा हूं यार, मुझे यहां से नीचे उतरने की जरूरत नहीं, उतर जाऊं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, लेकिन अभी समय नहीं आया। ये नृत्य आप सुन रहे हैं क्या? क्या एकदम खिला बनकर स्तंभित तो होकर आप भी तो नर्तन कर रहे हैं। आपकी आंख में कोई ऐसा संवेदनशील प्रसंग की बात आए, आंख में आंसू आए, तो तुम्हारी पलके नाच रही है, तुम्हारा हृदय नाच रहा है। मन मोर बानी बनी धन गाठ कर, मारु मन मोर बनी धन गाठ करे, मारु मन मोर बनी धन गाठ, मारु मन मोर बनी धन, मारु मन मोर बनी धन गाठ, मारु मन। ओस्मान मीर सुनिए उसको, मारु
રાજસ્થાની ઢાળમાં લીધો માઠ आसमान का है याद कर कथा क्या है नर्तन है साहब ये नर्तन है आप सुनते हैं वो भी नर्तन है आप नर्तन न करते हैं तो तीन घंटे बैठ नहीं पाते तीन घंटे बैठे रहना नृत्य की कृपा तो मीरा नाची है कोई कुल मर्यादा नहीं तोड़ी जो नृत्य का प्रवाह स्थगित हो गया था केवल ज्ञान के कारण केवल त्याग और वैराग की बातों के कारण नर्तन छूट गया था गायन छूट गया था सहज सरलता तरलता छूट गई थी 2500 साल के बाद फिर मेड़ती मीरा ने फिर उसको उद्घाटित किया मेरी समझ में वो कहती है जानती है कि क्या कुल मर्यादा है सब ठीक है लेकिन क्या करूं अपने बस की बात नहीं लोकलाज खोई तो खोई तो मानस की मीरा ये मर्यादा टूटती नहीं है भूली गई नृत्य की नृत्यमय भक्ति की याद है स्थापित है तो मीरा नाचती है मीरा के नृत्य में रामचरितमानस की खिड़की से यदि मैं देखूं तो पांच प्रकार के नृत्य हैं देखना पड़ेगा गुरुमुख से रामचरितमानस ऊपर ऊपर देखने से प्राप्त नहीं होगा मीरा के नृत्य में मानस के पांच नृत्य का समावेश है नाचने दो मीरा को आप भी नाचो भीतर से यहां तो कुछ कम दिखाई देता है कि चित्तौड़ की कथा में राजपूती कितनी सुंदर नाचती थी हाँ बहन बेटियां भी कितना सुंदर नृत्य करती थी मीरा की परंपरा को अक्षुण रख रही है मर्यादा कोई नहीं टूटती थी हाँ साहब मैंने देखा लाज मर्यादा यहां की बहन बेटियों की वंदन के योग्य है फिर भी मीरा को ये बिल्कुल मीरा की याद दिलाते हैं जब वो नर्तन करने लगती हमारे आपके घर में आया तो आप तो बहुओं को बेटियों को कहते नाचो नाचो ये तो बापू है निकाल दो घूंघटा उनके घर में गया साहब हाँ तीन तीन चौकियां पूरी करो तब तो अंदर जाया जा सकता था इतनी तो मर्यादाएं थी बाहर आंगन फिर अंदर वो फिर अंदर वो फिर अंदर वो हाँ और बहू बेटियां जो घूंघट लगाए
ससुर नाच रहा था, बाप नाच रहा था, बेटियां नाच रही थी, बहू ये मीरा को पुनस्थापित करने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। राजस्थान को नाचना ही चाहिए। क्योंकि ये मीरा का प्रसाद है। रामचरितमानस में पंच नृत्य है, इसलिए तुलसी ने मानस में नृत्य शब्द का केवल 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 5 बार प्रयोग किया है। नाचते, नाचना, नचाना, ये शब्द बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन पर्टिकुलर नृत्य शब्द 5 बार, भूल चूक हम ले दे सकते हैं, कहीं चूक हो जाए, लेकिन सुनते जाइए। जो प्रश्न पूछा गया अच्छा पूछा। एक नृत्य है सात्विक नृत्य, सत्वगुणी नृत्य। मानस का दूसरा नृत्य, एक नृत्य है रजोगुणी नृत्य। मानस का एक तीसरा नृत्य है निखालस और निर्दोष नृत्य। रामचरित मानस का एक चौथा नृत्य है निर्लेप और असंग नृत्य। रामचरितमानस का एक नृत्य है अभेदी नृत्य। मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं साहब, रामचरितमानस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुझे मिल रहा है इसलिए कह सकता मिलेगा मिलेगा। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन मुनि जन धन संतन सर्वस सार अंश सम्मत आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी। मेरे सुधी श्रोता भाई बहन, रामचरितमानस के नृत्य का पहला सूत्रपात मेरी व्यासपीठ सात्विक नृत्य से कर रहे हैं, जिसमें घुंघरू नहीं बांधे गए। घुंघरू बांधो तो नृत्य थोड़ा रजोगुणी हो जाए। मेकअप करो, नृत्य थोड़ा रजोगुणी जरूरी है नृत्य में मेकअप। मीरा कहे बांध पग घुंघरू, ये सब जरूरी है। विशेष पोशाक पहनना नृत्य के अनुकूल। लेकिन मैं सबसे उद्घाटन करना चाहता हूं गुरु कृपा से सात्विक नृत्य मानस का। एंजॉय करो, खूब एंजॉय करना, मेरे 2 दिन बाकी है, खूब पिला कर जाऊंगा, परहेज मत रखना। और ऐसे भरकर जाओ कि घर में जाकर जो नहीं आ सके उसको भी पिलाओ। आज मेरे पास एक पोस्ट कार्ड है, अभी पर्दा नहीं हटा है, नृत्य के लिए वेट करो। बापू, मैं टीवी पर हर कथा देखने वाला एक श्रोता हूं, व्हाट्सएप पर के माध्यम से यह संदेश कथा में मौजूद होता है वो भेजता हूं, शायद आप तक भी कोई बात पहुंचे। आजकल मीरा की धरती पर बहुत आनंद आ रहा है, मीरा के प्रेम की मीरागिरी, जो इस कथा में मैंने शब्द प्रयोग किया मीरागिरी, और राम रतन की वर्षा ने नेत्र भीग रहे हैं। आनंद ही आनंद है बापू,
पर आप वहां से जैसे ही खाने की सूची की घोषणा करते हैं तब भजन का आनंद तो आता है, लेकिन टीवी पर देखते भोजन नहीं आता है। पर आप वहां से जैसे ही खाने की सूची की घोषणा करते हैं, श्रीखंड, पूड़ी, आमरस, आपको पता है हम टीवी वाले श्रोताओं पर क्या गुजरती है। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर हम राम प्रसाद की फोटो मंगाते हैं, यहां जो भोजन का उसकी फोटो मंगवाते हैं, अपने कोई आए होंगे उसको कहते होंगे कि हमको फोटो भेज, बस इससे पेट भर लेते हैं और आनंद लेते हैं। बस यह बहुत मोटी सी शिकायत थी, छोटी सी नहीं, मोटी सी शिकायत थी, दिल ललच जाता है, लेकिन आगे की बात बहुत अच्छी है। बापू, आनंद की कोई सीमा नहीं, आजकल घर हमारा घर ही मेड़ता बन चुका। अब दूर दराज वालों का घर मेड़ता बन जाता और मेड़ता वाला कहीं चुक न जाए, कहीं चुक न जाए, कहीं चुक न जाए। हमारे प्रिय बापू रामकथा मेड़ता कहीं भी लगो, घराना अनाम बहती है गंगा जहां मेरा नाम, एक पोस्ट कार्ड आया। आज क्या है भोजन का, आप फिर कहीं भूल जाओ, पोस्ट कार्ड वाले श्रोता सुनिएगा, नवदा भक्ति है आज भी। सुरसुर आप आम कौन है दाद दे सो तू, गजब है। पहली आइटम जो मेनू मेरे पास आया है, बर्फी और चूरमा। हका दूसरा खोपरा पाक, तन भाव्या का खोपरा पाक है नहीं भावे, खोपरा पाक खावा थी बेटा खोपड़ू अब मोटू थी। तीसरा जो आज वानगी है उसमें फुलवड़ी, फुलवड़ी हमारे गिरीश भाई फुलवड़ी, फुलवड़ी बहु करे फुलवड़ी, फुलवड़ी चौथा है रतलामी सेब, सेब रतलामी खबर नहीं ये क्या पदार्थ है। पांचवा रोटी, सब्जी आलू फूल गोभी, सातवां चावल, आठवां दाल पापड़, जो वानगी में नहीं आते फरसाण में आते पापड़। आजकल बापू हमारा घर मेड़ता बन चुका है, भगवत कृपा से कथा कहां कहां पहुंच रही है।
तो मैं आरंभ करूंगा सात्विक नृत्य से। सुनिए, जो राग लेना हो लो बेटा, हम जो गा सके वो। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, निर्भर प्रेम मगन ज्ञानी, कही न जाय सो दशा भवानी, कही न जाय। शंकर भगवान, देखो कैमरा कैलाश पर है और फोकस किया है छेक अगस्त्य मुनि के आश्रम के निकट सुतीक्ष्ण पर। महादेव बोला, हे उमा, इस दशा का मैं वर्णन नहीं कर पाता। देख देख सुतीक्ष्ण क्या कर रहा है। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञान, निर्भर प्रेम कही न जाई सो दशा भवानी, कही न जाई सो दशा भवानी। ये सुतीक्ष्ण देख पार्वती निर्भर प्रेम में डूब गए। और शब्द ज्ञानी पुरुष, शंकर तो ज्ञानी है, कहते हैं बड़ा ज्ञानी है, लेकिन आज निर्भर प्रेम की बाढ़ आई है। आज मैं इसकी दशा का पार्वती वर्णन नहीं कर पाऊंगा। अरे देख कैमरा घुमा थोड़ा। दिसी अरु भी दिसी पंथन ही सूजा, दिसी अरु भी दिसी पंथन ही सूजा, को में चले वो कहा नहीं दूजा, को में चले वो कहा। देख देख पार्वती देख, ये बेचारा दिशी विदिशी, उसको भान नहीं, उसको रास्ता नहीं चुक रहा दिख रहा है। वो सोचता है मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं। ये प्रेम दीवानगी है सुतीक्ष्ण। को में चले कहा नहीं बूझा। और शंकर जी ने फिर कैमरा लगाया, कबहू कबहू कभी पाछे मुनि जाई, कबहू कभी पाछे मुनि जाई। दिशा विदिशा का भान नहीं है, ज्ञानी निर्भर प्रेम में डूबा है। मैं तुम्हें थोड़ा कहूं पार्वती, लेकिन उसकी दशा का वर्णन मैं भी नहीं कर पाऊंगा। देख देख कब हूं तो फिर पीछे चला जाता है, फिर इधर आता है। और कब हू कनृत्य करई गुणगा, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाय सो दशा भवानी, कही न जाय सो दशा भवानी, कबहु कनृत्य उसको दिशा ज्ञान नहीं है, निर्भर प्रेम में डूबा है। जार जार आंसू बह रहे हैं, और कभी पीछे कभी इधर, और कभी देखता हूं तो लगता है वो कोई नृत्य की मुद्रा में गाता हुआ नृत्य करना है। एक परम सात्विक नृत्य। सुतीक्ष्ण ने घुंघरू नहीं बांधे,
सुतीक्ष्ण ने करधनी नहीं बनाई, सुतीक्ष्ण ने हाथ पैर पर मेहंदी नहीं लगाई, सुतीक्ष्ण ने होठ नहीं रंगे, सुतीक्ष्ण ने कजरा नहीं लगाया। अचानक ये निर्भर प्रेम की दशा पाई, सुना कि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। तो मेरे भाई बहन, नृत्य में मेकअप सात्विक नृत्य में जरूरी नहीं है। घुंघरू हो बहुत अच्छी बात, न हो चिंता का कोई प्रश्न नहीं। मुझे लगता है कि इस नृत्य में जरा भी रजोगुण प्रवेश नहीं कर रहा है। महादेव जिसकी सराहना करते हैं, सराहना करते करते थक जाते, दशा का वर्णन मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो लगता है शंकर भगवान ने बंद कर दी होगी कथा और वो भी ठुमका लगाने लगा होगा कि पार्वती एंजॉय करना है तो तू भी ठुमका लगा। कथा अद्भुत है साहब, जब कैलाश की मानसिकता में चले जाओ तो पता लगे कि महादेव ने क्या गाया क्या कहा। वहां जाना पड़ता है, कहीं भी रहो। कबीर के जीवन में एक घटना है मेरे भाई बहन, उसने एक बार कमाल को एक हंसिया दिया दातरड़ कि घास काट के लिया गाय के लिए। कबीर के जीवन में कहते हैं बनी घटना, जाओ वो घास काटने का औजार लेकर के कबीर का बेटा गाय को चारा देने के लिए। आज गोपाष्टमी है, पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे जगत को गोपाष्टमी की बधाई हो, बधाई। आज गोपाष्टमी, मैं फिर एक बार गो माता के लिए कहूं, गो माता को संभालो रखो, नरक पाओ तो जहां रख पाते वहां योगदान करो, हो सके तो घर में गाय के दूध का उपयोग करो, गाय के घी का उपयोग करो, हो सके। केवल गाय की पूजा न करो, गाय से प्रेम करो, पूछ लगा लिया इधर उधर, इससे काम नहीं बनेगा। गाय भक्ति का केंद्र बने। गोपाष्टमी, नंगे पैर बिना सिए कपड़े पहनकर हमारे देश के पूर्णा अवतार ने गायों की सेवा की थी श्री कृष्ण ने, इसलिए तो उसको गोपाल कहा गया। गोपाल बालम भुवनैक पालम संसार माया मति मोह जालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। गोपाल गोपाष्टमी की बधाई भी कहने को जी कर रहा। लो ये दातरड़ा और जाओ कमाल घास काटाओ गायों के लिए। सुबह कहां था कबीर ने, कमाल गया और घास, अच्छी वर्षा हुई थी तो गले तक घास, इतना इतना ऊंचा ऊंचा कोई घास था। सुबह की हवा चल रही थी ठंडी शीतल मंद, और कबीर का बेटा कमाल जाता है हंसिया लेकर, और जब वो सब घास नर्तन कर रहे थे हिल रहे थे तो उसने दातरड़ा छोड़ दिया, चुप हो गया। कुछ समय तक बाप ने कही आज्ञा याद है कि मुझे घास काट कर जाना है, लेकिन सोचा कि जो इतना नृत्य कर रहे हैं अस्तित्व में, प्रकृति का नृत्य चल, जो नृत्य करे उसको मैं काटूं कैसे, उसका वध में कैसे करूं। मैं कबीर का यदि बेटा हूं तो काटू ना, अंदर जाकर शरीक हो जाऊं। कहते हैं कथा, कबीर का बेटा कमाल घास के खेत में अंदर गया, यहां तक चारों ओर घास और घास जुम रहा है। 5-10 मिनट में इतना इन्वॉल्व हो गया कि घास के साथ वो भी हिल रहा है, घास के साथ कमाल घास बन गया, नर्तन करने लगा। दोपहर हुई, शाम हुई,
कबीर साहब ने कहा, कमाल अभी तक आया नहीं, कमाल है। नाम भी बाप ने बड़ा अच्छा रखा। महापुरुषों के बेटे कमाल ही होते हैं, धमाल नहीं होते, कमाल। बिल्कुल सायंकाल हो गया तो गए कुछ लोग और देखा तो कबीर का बेटा स्वयं घास खेलता रहा, नाच कर रहा, नृत्य कर रहा। जाकर के लोगों ने हिलाया कि कमाल तू क्या कर रहा, फिर भी वो तो झूम रहा। दूसरी बार हिलाया, बहुत बार वो किया, तब वो सभान हुआ, ओ मैं तो घास काटने आया था, अरे सुबह से हो गई शाम, तुझको अल्लाह रखे, शाम हो गई तू आया नहीं। बोले मैं भूल गया, मुझे लगा कि मैं स्वयं घास बन गया, मुझे पता नहीं। ये सात्विक नृत्य था, उसके कोई साज की जरूरत नहीं पड़ी सुतीक्ष्ण को, कोई स्टेप की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बोल की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की जरूरत, और फिर भी सब अस्तित्व के बाजे इनकी चारों ओर बजते होंगे। तब हुक नृत्य करगी पूनी गाई, कब हो कन्द्री करगी पूनी। बिल्कुल सात्विक नृत्य, जैसे कथा पंडाल में जो नर्तन हो रहा है सात्विक नर्तन है। न आपने कोई मेकअप किया है, न मैंने घुंघरू बांधे है, न मैंने कोई विशेष पोशाक पहना है, सब नर्तन चल रहा है। अपने अपने ढंग से सभी डूबे हैं, रस पी रहे। अब आइए एक दूसरा मंजर देखिए मानस का, जहां नृत्य होता है लेकिन मेरी व्यासपीठ करार देती है वो रजोगुणी नृत्य है। बैठे जाए ते एक मंदिर रावण, बैठ जाए रावण, राम जी आ चुके हैं और रावण सायंकाल को खबर मिल चुकने के बाद भी बैठ मंदिर में, मैं चुक रहा हूं क्या बेटा, वो मंदिर में रावण जाकर बैठा है। लागे किन्नर गुनगन गावन, जैसे रावण बैठा है लंका शिखर ऊपर आगार, अति विचित्र होगी अखार। उस मंदिर में रावण गया है, रावण को आते देख ही किन्नर गुनगन गाने लगे हैं, गान शुरू हो गया। और गान जैसे शुरू हुए ही बाजही ताल पखावज बीना, बाजही ताल गंग ताल का अर्थ यहां है खड़ताल, करताल बजने। मीरा वहां भी है लेकिन वहां रजोगुण है। जही ताल पखावज बीना, और बीना बज रही है, खड़ताल पखवाज और बीना तीन वाद्यों का। और फिर तुलसी सरजोगुणी नृत्य का वर्णन करते हुए, नृत्य करही अपछरा प्रवीणा, नृत्य करही अपछरा प्रवीणा, लागे किन्नर गुनगन गावन, लागे किन्नर गुनगन। ताल वाद्य है, करताल है, वीणा तंतु वाद्य भी है, तीनों का सहयोग लिया गया है। किन्नर गा रहे हैं और अप्सराएं जो आई है तो रजोगुण होना ही है,
सच धज कर आई है स्वर्ग से, रावण की महफिल है। कीचड़ू कबूटांग, कीचड़ू कबूटांग, रावण की यह महफिल है। जिस झूले पर रावण बैठा है, सोने के कड़े हैं, सोने की जंजीरें हैं, पटर भी सोने का है, मंदोदरी बगल में बैठ, पूरा रजोगुणी नृत्य चल रहा है, श्रृंगारमय है। सुना सीर सत सरिस, हजार हजार इंद्र जैसा वैभव भोग रहा है, सिर पर राम आ गया है तो भी उसको कोई चिंता नहीं। नाच देख लेने दो, गा लेने दो, कल जो होना हो, आज सुर ताल में सिर हिला दो, फिर कल सिर रहे न रहे क्या ठिकाना। नृत्य कर ही अपचरा प्रवीणा, नृत्य कर ही अपचरा प्रवीणा। मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा, बाकी का मुझे नाम याद नहीं। अप्सराएं उतरी रहा ऊपर, आदमी रसिक है। असुर है ना, ये कभी कभी जड़ हो जाते हैं, ये आदमी रसिया है। आप कल्पना करो, कोई गाता है तो हमारा एक शीर हिलता है तो गवैये को आनंद आ जाता है। जब किन्नर ने गाया, अप्सराओं ने नाच किया और ताल पखवाज और वीणा बजी होगी और रावण के दसों शीर ने जब दाद दी होगी महफिल की, तो कल्पना करो यार। भगवान राम सुबेल पर से देख रहे थे कि क्या रस भोग रहा है आदमी, मैं आ गया फिर भी मौज में जीता है, कैसे दाद दूं उसको, मैं वहां जाऊं तो रस भंग होगा, मेरे पास कोई रुपये बुपये गहने नहीं कि मैं फेंकूं, इसलिए भगवान ने एक तीर निकर यहां से फेंक दिया कि ये मेरी दाद है ले। नृत्य करेगी अपचरा, नृत्य करेगी अपचरा, नृत्य करेगी अपचरा, नृत्य करेगी। ये है रजोगुणी नृत्य। मैं मेरी जेब से नहीं निकाल रहा हूं, मानस से निकाल रहा हूं, हाँ गुरु कृपा से निकाल रहा। गुप्त प्रगट जह जो जेहि खान, तेहि कर विमल विवेक विलोचन। उसके बाद बरनउ राम चरित प्रमोचन, ये किसी की रज कृपा है, लवलेश कृपा का ही फल, रज मात्र कृपा का फल। गुरु इतनी ही कृपा देता है जितना आश्रित पचा सकता है, रज मात्र। तुलसी कहते रज मात्र से मैं भर गया, और देता तो मैं बहक जाता। जहां की कृपा लवलेश से मति मंद तुलसी दास, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु। तो हो गया सात्विक नृत्य, हो गया रजोगुणी नृत्य, अब तीसरा है अभेद नृत्य। अब नृत्य का स्टेज हो तो पर्दा तो रखना पड़ेगा अवश्य, ये तो लक्षण है, रखना पड़ता। राम राज्य स्थापित हुआ तब व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कहीं पर्दा नहीं रहा, कहीं भेद नहीं रहा, अभेद सब समान हो गए राम राज्य में। तो भेद का भेद शब्द जला दिया जाए, तुलसी ने कहा नहीं जलाया न जाए, रखो एक जगह रखो, तत्वतः अभेद है, लेकिन शब्द ब्रह्म है, मर न जाए इसलिए भेद रूपी शब्द ब्रह्म को तुलसी ने बचाया।
दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समा। तीसरी बार नृत्य, अभेदी नृत्य। पर्दा यहां फरेब नहीं है, सुशोभा है। पर्दा यहां धोखा नहीं, वरना तो पर्दे के कई अर्थ होते। प्रीत त्या पर्दो नहीं, पर्दो त्या नहीं प्रीत, गुजराती में कहते हैं। प्रीत पर्दो दोनों रखे वो दुश्मन की, गुजराती हिंदी मिश्र है। प्रीत हो तो पर्दा नहीं, पर्दा हो तो प्रीत नहीं। आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। दंड जतिन, राम राज्य में दंड का विधान छुट, कोई गुना करे तो दंड देना, गुना ही बंद हो गए। कोई किसी से वैर नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता, कोई फरेब नहीं करता। चोरी का जिसका स्वभाव है छूटना कठिन है, लेकिन राम राज्य आते आते निर्मूल हो गया ये सब। नस्तैनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप। ऋषि ने जब भोजन की मना की तो कई कई राज ने कहा आप मेरे घर का भोजन क्यों ना लो, आपको लेना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे जनपद में कोई चोरी नहीं करता है, आपको रोटी खानी ही पड़ेगी मेरे घर। नस्तैनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप, न कोई वो है न कोई ये है, बिल्कुल राम राज्य है। दंड नहीं, दंड केवल शब्द ब्रह्म को बचाने के लिए। तुलसी कहते हैं सन्यासी के हाथ में जो लाठी रहती थी वहां दंड शब्द का प्रयोग किया जाता था, बाकी कोई दंड विधान नहीं था राम राज्य में। दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समान। जहां नर्तक गण नृत्य करते थे वहां केवल पर्दा रखना होता था, बाकी पर्दा भी एक दूसरे के बीच में कोई पर्दा नहीं था, आर पार निखालसता थी। तब वहां नर्तक समाज नृत्य करते थे राम राज्य में। वहां केवल अभेद स्टेज को शोभित करने के लिए पर्दा रखा जाता था, उसको मेरी व्यासपीठ अभेद नृत्य कहता। छलना नहीं था राम राज्य में, किसी पर किसी ने जीत की ऐसी कभी बात नहीं थी। केवल जीत शब्द बचाया मन को जीतने में, मन जीतो बस, बाकी जीत छोड़ो। रामचंद्र के राज। तो तीसरा नृत्य रामचरितमानस में आया वो मेरी व्यासपीठ की समझ में अभेद नृत्य है। यद्यपि पर्दा नृत्य में जरूरी है इतना ही रखा, बाकी कोई भेद नहीं, क्योंकि सब नर कर ही परस्पर प्रीति। राम राज्य का पर्याय है प्रेम राज्य, सांप्रदायिक बिन सांप्रदायिक की खोखली घोषणा करने वालों को राम राज्य शब्द आता है तो डर लगता है। राम राज्य का पर्याय है प्रेम राज्य, और प्रेम में पर्दा नहीं होता, निखालसता, प्रेम में दंड नहीं होता। सच्चा प्रेम हो वो कभी दंड नहीं देगा, कभी बदला नहीं लेगा, या तो उसको बदल देगा या बलिदान दे देगा। प्रेम में न बदला होता है न दंड होता है। जब तक दंड लेने की वृत्ति हो तब समझना प्रेम की जगह कुछ और आ रहा है। रामचरितमानस का राम राज्य ये सूत्रपात करता है। किसी को जीतना नहीं, किसको जीतना, जीत कर क्या पाओगे? पांडवों ने कौरवों को जीत लिया, उसके बाद का महाभारत पढ़िए, ग्लानी और शोक के सिवा कुछ नहीं बचा। जहां जाओ वहां विधवा की आहें सुनाई देती थी। आप प्लीज व्यास की कलम का युधिष्ठिर देखिए, बिल्कुल उदास, और चलते चलते गिर जाता है। भगवान कृष्ण भीमसेन को दायित्व सौंपते हैं महाभारत में कि धर्मराज के साथ रहना, ये कब गिर जाए कब प्राण छूट जाए निश्चित नहीं, बहुत ग्लानी से परे। और जब जब लड़खड़ाते हैं धर्म, युधिष्ठिर भीमसेन पकड़ लेता है।
क्या पाया, किस पर जीत। इसलिए हमारे भक्ति मार्ग में कहा, आरे को हरि नाम। जीत के बाद में कुछ हाथ में लिया, इसलिए मैंने जय शब्द निकाल दिया। मैंने उस दिन कहा ना कि ये आप कहते हैं तुलसीदास जी ने 14 लोक में एक पति लोक डाल दिया, तुलसीदास जी ने एक धनुष यज्ञ डाल दिया जो यज्ञ, तो उसी दिन मुझे एक दूसरी एक प्रतिक्रिया, एक दूसरे दिन मैं छूट गया, पूछा कि बापू ने आपने कोई नया डाला। मैंने कहा मैं प्रेम यज्ञ कहता हूँ, नया नहीं, आज तक ज्ञान यज्ञ अज्ञान यज्ञ अज्ञान, मैंने उसको प्रेम यज्ञ कर दिया, ये नया नहीं है। इससे पहले कहा गया हो तो मैं प्रणाम करूंगा, मेरे बात कोई कहे तो मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं, केवल मुझे याद रखे तो भी शुक्रिया। क्यों क्यों हूं बोलू सुन, खबर नहीं, मौज बहुत आती है भैया। केवल राम राज्य में, प्रेम राज्य में मन की जीत ही जीत थी, मन के जीत ही जीत है, मन के हारे हार, ऐसा संतों ने कहा। रामचंद्र के राज, इस नृत्य को मेरी व्यासपीठ अभेद नृत्य कहती है। एक चौथा नृत्य है निखालस नृत्य, बालकवत नृत्य। नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी, वहां नाच ही शब्द है, नृत्य नहीं है, मुझे नृत्य लेना है। पाछे पाछड़ पड़ी जाइए रुपये जी, मुकवाई मुकवानी इच्छा न होता है कि उसका मूल तक जाए। शिवरंजनी का चलो, नाना खग बालकनी जी आए, राम राज्य में अयोध्या के जो बालक थे ने वो छोटे छोटे पक्षी को संभालते थे, जिलाते थे, उसके साथ खेल क्रीड़ा करते थे। और ये पक्षी को स्वतः पिंजरे में नहीं रखते थे, कभी कनक पिंजरन राखी पढ़ाई आया, लेकिन बालक की निखालसता और पक्षियों की निर्दोषता का ये नृत्य है। यहां कौन कौन पक्षी हैं? मोर हंस सारस पारा पक्षियों के नृत्य बताए तुलसी ने। मोर हंस मोर हंस सारस पारा चार पक्षी का नाम है मोर हंस सारस पारा।
पारावात माने कबूतर, पारावात मीन्स कबूतर। अयोध्या की अटारियों पर चारों पक्षियों को तुलसी ने देखा, सब भवन पर बैठे हैं और बैठे हैं इसलिए क्या लगता, शोभा अति पावत, बहुत सुंदर शोभा बनती है भवनों की भी पक्षियों की भी। यद्यपि चारों पक्षी का नर्तन का स्टेज भी अलग है, यह रामचरितमानस है। हंस जल का पक्षी माना गया है, ये कल्पना का हो श्रद्धा का हो मुझे खबर नहीं, लेकिन बहुधा सरोवर तट पर रहने वाला पक्षी है। कहते हैं जल में ज्यादा निवास करता है, धरती पर जरूर आता है। हंस के नर्तन का स्टेज है जल, मोर के नर्तन का स्टेज है जमीन। मानो प्रकृति के तत्व को तुलसी चिन्ह चुन चुन कर लाते। सारस पक्षी जो है उसका स्टेज है आसमा, बहुत नहीं ज्यादा उड़ता, सारस को देखना पड़ेगा, बहुत नहीं उड़ पाता लेकिन ये आकाश में नर्तन करता है। पारावत बहुत ज्यादा या तो मकान पर या तो कुएं की बखोलों में या तो कहीं छिपे कर कबूतर घू 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 करते रहते। चारों के स्टेज भी लगे लेकिन आज राम राज्य में सब एक स्टेज पर आ गए। यही तो राम राज्य है, यही तो प्रेम राज्य है, सबको एक समान मंच पर ला देना, सब विषमता राम, विषमता कोई। तुलसीदास जी वहां पंक्ति लिखते हैं कि ये पक्षी जो बहुत शोभा पा रहे हैं वो अपनी छाया को देखकर चारों पक्षी नृत्य करते हैं। फिर वो शब्द आया वहां निज परिछानी नृत्य बहुविधि ए पंखी सुंदर शोभा पा रहे हैं भवनों की अटारियों पर और अपने प्रतिबिंब को देखकर ये पक्षी नृत्य करते और कुंजन कर रहे, कूज रहे, अपनी भाषा में गा भी रहे, कोई घुघू गा रहा है, कोई रहक रहा है मयूर, हंस अपने ढंग से शिव की तरह गा रहा है, तब कचुकाल मराल कर धरतम के निवार, हंस अपनी शैली से गा रहा है, सारस रसपूर्ण गा रहा है, चारों कुंजन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं चारों पक्षी। इस नर्तन को बालक ने इनको रखे हैं, अत्यंत शोभा पा रहे हैं और अपनी छाया को देखकर ये नृत्य कर रहे हैं। पक्षी भी निर्दोष है, बालक भी निर्दोष है, यहां न रजोगुण है न तमोगुण है न सतोगुण है न भेद अभेद कोई शब्द है, यहां केवल आर पार की पक्षीवत बालकवत निखालसता मात्र है। जैसे पक्षी निखालस, कबूतर बहुत भोला पक्षी माना जाता है, हमारे गुजराती में तो एक कविता है मीन प्यासी नामक कवि ने लिखी है, चुड़ा रानपुर का कवि थे, गुजराती में जरा सुन लीजिए, कबूतर शब्द आया तो मैं कहूं कबूतरो नु घू घू घू, कबूतर घू 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 बोल नाचते हैं, एक दूसरे के चौंचों में चौंच डालकर नाचते हैं, गाते हैं, पंखे फड़फड़ाते, देहात देखना पड़ेगा यार। कबूतरो घू घू घू, कबूतरो घू घू घू,
कबूतरों नु घू 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 अंदर चकला चू 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 छछू दरो नु छू 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 छछू दरो नु छू 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 कोयल कुंजे कू 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 कोयल आकुंजन माशी कक्कावारी आकुंजन कक्कावारी एक मानव बोले हूँ मानव बोले हूँ एक आदमी ही ऐसा है कि हूँ मैं लेकिन ये पक्षी बोलते हैं और मानव हूं करता है तो शायर को लगा आखिर में तो ये बधु कबूतरों नु घू घू और सरल भाषा है गुजराती समझ में आ जाएगी उसमें आगे पंक्तियां हैं परमेश्वर तो पहलू पूछशे भगवान आपको पहले ये प्रश्न पूछेगा क्या कौन सा प्रश्न पूछेगा परमेश्वर तो पहलू पूछशे परमेश्वर तो कोई नु सुख दुख पूछू तू कोई नु सुख दुख पूछू अभी जीवन में किसी का सुख दुख पूछा था कि आप सुखी है दुखी है आपको कोई तकलीफ है ऐसा कभी पूछा था भगवान ये प्रश्न पूछेगा कोई नु सुख दुख पूछू तू दर्द भरेली आ दुनिया मा दर्द भरेली आ दुनिया ये दुखालयम जगत है इस दुनिया में दर्द है पीड़ा है तो दर्द भरी दुनिया में तूने किसी का आंसू पोछा था दर्द भरेली आ दुनिया मा दर्द भरेली आ दुनिया मा कोई नु आंसू लू छू तू इतने प्रश्न भगवान करेंगे तब मानो क्या कहेगा गेंगे फे फे थई ने कैसे वह गेंगे फे फे नु हिंदी नहीं थई सके मुश्किल है ये तो जे गेंगे फे फे करे ये जे उसको महसूस कर सकता है गेंगे फे फे थई ने कैसे है सू 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 गेंगे फेंफे होकर मानव बोलेगा है क्या कहा आपने क्या कहा क्या कहा अब दु कबूतरों नु घू 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 तो मोर हंस सारस पारावत ए पक्षी बिल्कुल निखालस सहज और बालक उनको वो प्रोत्साहित कर रहे हैं इसलिए इस नृत्य को मानस के इस नृत्य को मेरी व्यासपीठ बिल्कुल गुणातीत नृत्य कहते हैं यहाँ कोई न रजोगुण न पक्षियों ने कोई मेकअप किया है न घुंघरू बांधे हैं न कुछ किया है न पक्षियों के पास कोई ताल वाद्य है न वीणा है न पखवाज है न पक्षियों में कुछ कोई विशेष वो है बस मस्ती में बालक की तरह गुगु गु कर रहा है तो ये है निर्दोष नृत्य एक है अभेद नृत्य एक है रजोगुणी नृत्य और एक है सतोगुणी नृत्य पांचवा और आखिरी नृत्य बिल्कुल असंग नृत्य जथा अनेक बेश धरी नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखाई आपुन होइन असंग स्टेज पर जैसे कोई नट जथा अनेक बेश धरी मनवा तू कृष्ण तू कंस ऐसी एक कविता है अनेक पात्र प्रस्तुत करे स्टेज पर
जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव देखा है, जैसा वेश धारण किया ऐसा भाव दिखाएगा। राजा बना तो राजा, नौकर बना तो नौकर, भिक्षुक बना तो भिक्षुक, सोई सोई भाव देखा हुआ, लेकिन आपुन वही न सोई, खुद तो बिल्कुल असंग रहेगा। उसको पता है कि को हम, मैं कौन हूं, वो तथा ता रहेगा बुद्ध की भाषा में। तो वहां भी नृत्य शब्द का प्रयोग व्यासपीठ को प्राप्त हुआ है मानस से, इसलिए मानस में पांच नृत्य की सृष्टि है, याद रखिएगा। तो मानस में नृत्य की स्थापना ही की गई है, तो मीरा, मानस की मीरा यदि नृत्य करती है, मानस में नृत्य की बातें हैं, तो मानस की मीरा यदि नृत्य करे तो कोई कुल मर्यादा टूटती नहीं है। अब एक ही खुलासा करके आगे बढ़ूं, क्योंकि आप तो नहीं पूछेंगे, आप प्रवाह में बह जा रहे हैं, लेकिन आप कथा से जाने के बाद फिर सोचेंगे तो फिर चमकारा होगा कि भाई मीरा ने श्रृंगार सजे थे तो वो रजोगुणी नृत्य हो गया, जैसे अप्सराओं ने श्रृंगार ताल पखवाज, मीरा ने एक तारा लिया ताल ली तो ये रजोगुणी हो गया, नहीं। रावण को रिझाने के लिए नृत्य करो तो रजोगुणी, राम को रिझाने के लिए नृत्य करो तो रजोगुण भी सतोगुण में दीक्षित हो जाता है। इसलिए बांध सज श्रृंगार बांध पग घुंघरू, मीरा जब श्रृंगार सजकर घुंघरू बांधती है, अद्भुत। कल भी पेशगी भी थोड़ा समय भी देखी आपने कि हेमा जी कितना सुंदर वो करके आई थी ये मीरा को प्रस्तुत करने के लिए, तो उसी समय कोई रजोगुण नहीं देखता, क्योंकि इसके केंद्र में कन्हैया और पीछे जब छाया चित्र में जब कृष्ण के साथ जो 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 वर्तुल काट रही, तब तो लगता था वाह आश्चर्य। यद्यपि मीरा ने बहुत श्रृंगार सजाए फिर भी रजोगुण नहीं है, क्योंकि रिझाना तो हमारे दीक्षित दनकोरी साहब का एक शेर है, शायरी तो सिर्फ बहाना है, शायरी तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो तुझे रिझाना है। ये शायरी, ये गाना, ये बजाना, ये करना, बाकी असली मकसद तो राम रिझे, कृष्ण प्रसन्न हो जाए, यही एक मात्र। कोई भी कला कलाकार कला जब पेश करता है तो उसका असली मकसद तो यही होता है कि मेरे दर्शक के भीतर बैठा राम प्रसन्न हो जाए, क्या इरादा होता है। विद्या के बदले में रुपयों पैसों में आप कुछ नहीं दे सकते साहब, ठीक है, दुनिया का व्यवहार चार्जों में चलता है, बाकी तो विद्या का आदमी कला का आदमी अपने दर्शकों को रिचार्ज कर देता है, उसको एक उत्सव से भर देता है, उत्साह से भर देता है। रिझाना है, शायरी तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो उसे रिझाना। तो मेरा का नृत्य रजोगुण ऊपर से लगेगा, यस, जो जो उनके पदों में श्रृंगार बातें आई हैं, लेकिन केंद्र में कृष्ण था। मैं तो गिरधर के संग न बचूंगी, अथवा तो मैं वही वेश धारण करूंगी जिससे मेरा साईं रिझे। केंद्र क्या है, तब गुण दीक्षित होने लगता है, एक बिलक ढंग से बहने लगता है। तो मीरा में सात्विक नृत्य है, जन्म लेने के बाद थोड़े समय में जब कोई किसी बालक का बालिका का पैर ताल में हिलने लगे, या तो माँ कोई लॉरी सुनाए और और बालक भी उसी सुर में सुर न चुके, तो समझना ये माँ के पेट में रियाज करके आया है,
ये शब्द है कल्याण जी भाई का, लिटिल वंडर का जो अपना शो था कल्याण जी आनंद जी भाई। मैंने पूछा कि बापू कल्याण जी भाई ये इतने इतने छोटे बच्चे ये सब क्या? बोले बापू हम तो ठीक हैं उसको वो करते हैं, बाकी तो सब माँ के पेट से रियाज करके आते हैं। माँ के उदर में परम सात्विक नृत्य में मीरा ने नाचा होगा, अस्तित्व के गर्भ में मीरा सात्विक नृत्य से नाची होगी। सुतीक्ष्ण की तरह निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञान। फिर थोड़ी बड़ी हुई, श्रृंगार का पता लगा कि ऐसा करने से मेरा साईं और राजी हो जाएगा, मेरा ठाकुर और प्रसन्न हो जाएगा, तो लिया रजोगुण का आश्रय, इसीलिए कि रजोगुण दीक्षित हो जाए विशुद्ध हो जाए। तो मीरा के नृत्य में सतोगुण भी है रजोगुण भी है। मीरा का नृत्य भेद मुक्त है, वो पर्दे में तो नाचती ही नहीं थी ना, कोई स्टेज प्रोग्राम करती थी मीरा, वो तो मैदान में जहां कोई पर्दा नहीं। इवन दीवारों का भी पर्दा नहीं रहा, लोकलाज का भी पर्दा हट गया था। आ गई थी मैदान में तो उसका तो अभेदी नृत्य हो ही गया, कोई दीवार नहीं कोई भेद नहीं। और मीरा का नृत्य बिल्कुल पंखी की तरह, बालकों की तरह मासूम नृत्य निखालस नृत्य रहा। और इतना नाचने के बाद भी मीरा वही की वही है, असंग, बिल्कुल निर्लेप, बिल्कुल असंग निर्लेप रही। गुरु कृपा से रामचरितमानस के दरीचे से मेरी व्यासपीठ को मीरा का दर्शन ऐसे हो रहा है। तो आपने जो पूछा कि मीरा ने नाच कर जो जो मर्यादा तोड़ी राम, तो उसमें अच्छा आपने पूछा था कि मैं इतना बोल पाया। जो प्रश्न आपके हैं वही, साधो मुर्शिद की मुर्शिद नहीं सिंह राशि कृपया समझाएं। मुर्शिद सिंह राशि के दो अक्षर होते हैं म और ट, सिंह राशि जिसकी होती है ना उसके दो अक्षर होते हैं। ज्योतिष को जो मैं तो उसमें कुछ मेरी बहुत कुछ है ही नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि लोग मेरे पास बहुत नाम रखवाने आते हैं बच्चों के, तो फिर मैं इतना सीख गया कि पूछूं कौन सी राशि है, बोले सिंह, तो तुरंत मा ट, ट पर से तो कोई नहीं नाम आएगा, टप्पू आता है, तारक मेहता का टपूड़ा हो सकता है, क्योंकि ट से तो कोई नाम नहीं आएगा, टट्टू तो नाम रखा ना जाए, तो फिर म से रखता हूँ मैं, कभी मोहन कभी मथुर, मा पर से जितना नाम आ सके। हरीश मीनाक्षर की ये कविता है, पद प्रांजलि नामक आपका ग्रंथ है, जिसको इस बार नरसिंह मेहता अवार्ड से वंदना की गई। साधो मुर्शिद सिंह राशि, जो मुर्शिद होता है, जो संत फकीर होता है, जो साईं होता है, उसकी सदैव सिंह राशि ही होती है। मीरा की राशि भी तो सिंह है, मेरा नाम ही सिंह राशि का, और मानस भी सिंह राशि का नाम है। और नहीं नहीं क्या क्या बात क्या है यार, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। अरे 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 ये तालियां क्यों पड़ी? बाप तो उस पूरी कविता नहीं आती, वरना मैं ज्यादा उसको व्याख्यायित कर सकता, पहले मुझे याद थी फिर छूट गई, सॉरी। ये मानस मीरा की बात मैंने कह दी। पूछा गया एक भाई श्रोता ने, बापू राम जी को वनवास हुआ फिर उसने चार मुद्दे लिखे, इन चार कारणों से हुआ आप बताइए। देवताओं की कुचाली से एक कारण,
जन्म नक्षत्र के कारण कि जन्म के ग्रह ऐसे होंगे इसलिए वनवास हुआ, विवाह लग्न के कारण विवाह में कोई कुंडली न मिली ऐसा हुआ होगा, या राम जी की मर्जी से, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे यदि पूछो तो जो हो रहा है राम जी की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि रामचरितमानस में राम जब प्रकट होते हैं तब तुलसी ने दो टुक लिख दिया है, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इतनों के लिए प्रभु ने मनुष्य शरीर धारण किया, लेकिन फिर शब्द क्या ले? हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं ना तो कोई पूर्व कर्म कोई किसी कारणवश लेते हैं, भगवान जब जन्म लेता है तो निज इच्छा निर्मित करो, अपनी ही इच्छा से वो धारण करना। तो वन में जाए या राज करे या कुछ भी करे वो उनकी मर्जी के अनुसार ही होता है। राम किन्न चाहे सो वो ही करे अन्यथा असन। तुलसीदास जी ने लिखा हो यही सोई जो राम रचि राखा। गुरु नानक देव कहते हैं जो तुंधु भावे साई भलिकार, हे साई तुम्हें जो अच्छा लगे वो ही भला है वो ही शुभ है। तो मेरा स्पष्ट बात तो ये है कि ठाकुर की मर्जी, स्वयं की मर्जी। विरह का दुख मिलन के सुख से बड़ा होता है, अथवा तो क्या विरहानंद की पराकाष्ठा ही मिलन है? बताए, विरह का दुख मिलन के सुख से बड़ा होता है। यस, मिलन के बाद तो सुख की मात्रा कम होने लगती है। मेरता जाना है, कथा में जाना है, कथा में जाना है, जब तक मेरता और कथा में न पहुंचे उस समय तक का ये वियोग का सुख विलोग होता है, और मेरता आ गए कथा में आ गए फिर मात्रा घटने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी आ गए। कुमार बारा बंकवी का एक शेर है, मेरे राह बर मुझको गुमराह कर दे, हे मेरे राहबर, हे मेरे मार्गदर्शक, हे मेरे मार्ग में साथ चलने वाला, मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे। क्यों? कि सुना है कि मंजिल करीब आ रही, मैंने सुना कि मंजिल आ जाएगी तो जो 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 आनंद है वो खत्म हो जाएगा। मीरा ने भी एक बार कहा था, जब मीरा को पूछा गया कि आप मेरता छोड़कर चित्तौड़ गई, चित्तौड़ से वृंदावन गई, वृंदावन से द्वारका गई, तुम्हें कृष्ण मिला? मीरा का बहुत प्रसिद्ध जवाब है कि मैं कृष्ण को पाने के लिए नहीं दौड़ती हूँ, कृष्ण को पाने के लिए जो आनंद आता है इसलिए दौड़ रही हूँ। वो मिले न मिले उसकी मर्जी, वो कहाँ बिछड़ा है कि मैं मिलने जाऊं, वो तो है और है तो है। मिलन से वो कुछ मात्रा कम होने लगे। अब आप बर्फी और चूरमा याद करो, जब तक मिलन नहीं हुआ कब एक बजे कब सवा बजे, पर बापू कब हरे रामा 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 राम करा दे, तब तक तो इंतजार ज्यादा सुख देगा, लेकिन झपट बुला लो उसके बाद सुख की मात्रा कम हो जाएगी। फिर आप स्वच्छता अभियान में जाते होंगे, आपने सही पूछा है, आपका प्रश्न ही जवाब है। विरह का दुख मिलने के सुख से बड़ा होता है, बिल्कुल, क्या विरहानंद की पराकाष्ठा ही मिलन है? सही पराकाष्ठा ही मिलन है, वही मिलन है। विरह में जो मिलना, वियोग में जो मिलना, उसमें कोई बिलग नहीं कर सकता। मिलन से तो कोई भी बाधा बिलग कर सकती है, वियोग में कौन बाधा आ सकती है? कोई पग बाधा नहीं, निरंतर शाश्वत संयोग हो जाता है। तो ये बात भी आपकी मुझे ठीक लगती है।
एक युवक ने पूछा है, बापू कर्म और भक्ति क्या क्या संबंध है? बहुत संबंध है। अकेला कर्म जड़ हो जाता है, अकेली भक्ति कुछ जान कम हो जाती है। दोनों जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है। आप परोसो किसी को, भोजन परोसो तो ये कर्म है, लेकिन गुस्से में परोसो, लेना है चूरमा, लेना है बर्फी, तो भक्ति के अभाव में भोजन करने वाला के सामने आपका कर्म शुरू है, फिर भी आप भक्ति के अभाव, भाव के अभाव, परोसने वाले में प्रेम नहीं है, इसके अभाव से भोजन भोजन नहीं रहता। इसलिए हर एक कर्म में भक्ति होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं मेरा कर्म है, लेकिन मैं भाव न हो तो केवल शब्दाडंबर हो जाएगा, शब्द आपको परेशान करेगा, चुभेगा। मेरे भाई बहन कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। हां तो पूजा भक्ति है, पूजा करना ये भक्ति का अंग है, इसलिए कर्म को पूजा समझकर ही करो। दफ्तरों में बिल्कुल जो जितने घंटे काम करने करो, पढ़ाई में जितने घंटे का कर्म करना है ठीक से करो, पूजा भाव से करो। और शंकराचार्य ने तो रसलो विषयों का विहार भी पूजा मान लिया है। भक्ति भाव से करो, पूजा ते विषयोपभोग ना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयोर स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्खिलं शंभूतवा राधनम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहं पूजाते विषयो। यज्ञ भाव से करो, भक्ति चाहिए और कर्म का ज्ञान भी होना चाहिए। जो कर्म करो उसकी समझ भी, ये तीनों के बिना एक को निकलने से गड़बड़ हो जाती है। तीनों का सहयोग बहुत जरूरी है। ये टिपोई है, भक्ति का उदाहरण मीरा है तो कर्म का उदाहरण बताकर कृतज्ञ करे। कर्म का उदाहरण भी मीरा है, दूर जाने की जरूरत नहीं, मीरा ही कर्म का। कर्म को एक कहते हैं पुरुषार्थ, मीरा बहुत पुरुषार्थी है, मीरा आलसी नहीं है, मीरा कर्मठ है, एक जगह बैठी नहीं। ये नृत्य करना कर्म नहीं कहोगे आप? और कृष्ण के लिए नृत्य करना फिर भक्ति, समझकर नृत्य करना वो फिर ज्ञान। ये टिपो है, साथ साथ चलता है। बापू आपको गीत भजन कीर्तन अति प्रिय है, तो राज की बात बता रहा हूं कि बापू एक भाई का नाम लिखा, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है? मुझे खबर नहीं कौन है। बहुत बहुत कोई गाय मुझे अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इरशाद हुसैन साहब कोई मुस्लिम भाई ने एक गजल भेजी है, यूसुफ हुसैन की, तेरी आवाज क्या आने लगी है, गली में धूप लहराने लगी है, तेरी बाहों में मरने की तमन्ना मुझे जीने पे उकसाने लगी है, जवाले उम्र में तेरी मोहब्बत मुझे कुछ और महकाने लगी है, तेरे कुर्बे रबा की चाह मुझको सरे आफाक फैलाने लगी है, मैं अपनी राख से निकला तो यूसुफ सितारों तक तो खबर जाने लगी है। आपका एक श्रोता, तो ये सब आपने जो पूछा मैंने मेरा वादा पूरा किया, और अब जो बाकी रहा है वो पूरा कर दूं ताकि आप चूरमा तक पहुंच जाए।
मीरा का एक पद मुझे अच्छा लगा तो मैंने लिख कर ले आया, मुझे याद नहीं था। कहती है मीरा, मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, मेरा असली घर वो है, बाकी तो मैं किराए पर रहती हूं, और जगह रहना पड़ता है, कभी मन के घर में, कभी बुद्धि के घर में, कभी चित्त के घर में, कभी अहंकार के घर में जीना पड़ता है। मेरा घर तो गिरधर है, मेरा असली ठिकाना कृष्ण है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम। और भगवान कृष्ण ने गिरिराज को अपनी एक उंगली पर उठा करके ये बहुत बड़ा संकेत जो यहाँ मीरा कर रही कह रही है वो दिया है। सब के घर थे, सब ब्रजवासियों के अपने अपने घर थे, लेकिन इतनी वर्षा हुई, इंद्र इतना कुपित हुआ, कृष्ण ने परंपरा तोड़ी तोड़वाई और इंद्र इतना कुपित हुआ तो जो अपना घर जो मान बैठे थे कोई घर काम में नहीं आया, और सब ब्रजवासी दौड़कर जहाँ गिरिराज उठाया गया था, गिरधर ने गिरिधारी ने गिरी उठाया था, वही उनका घर बन गया था, क्योंकि असली घर तो गिरधर है। जिन्होंने अपने घर सबके छूट गए थे, आप कथा में भी देखिए, सब भागे जा रहे गिरिराज की शरण में, इस गिरिराज को कृष्ण ने धारण किया, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। तो मैं तो गिरधर के घर जाऊं, और मीरा कहती है गिरधर मारो साचो प्रीतम। गिरधर मेरा असली पति है, साचो बिल्कुल सच्चा पति, बाकी तो सब चित्रपट है। वो न मिले तब तक उसको पूजो, बाकी वो मूल पति आ जाए तो चित्रपट नहीं। गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लिभाऊं, उसके रूप को देखकर मैं लुभाती हूं, मैं लुभ जाती हूं। तुलसीदास जी जैसे कहे, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, इसकी इससे मैं ऐसा लोभ मेरे में प्रकट हो जाता है, उसका रूप देखती रहूं, ये लोभ बन जाता। गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भय उठी आऊं, रात पड़े तभी मैं सो, रात न हो तो मैं न सो। मीरा कहती है आप न खावे ऊ न थी यार, मीरा कहे रात पड़े तब भी सो, इसका मतलब दिन में सोए ना। मीरा को और हमको भी 500-600 साल दूर हो गए, इसलिए संशोधन जरूरी है। चूरमा बर्फी खाने के बाद स्वच्छता अभियान करने के बाद मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने पूछा है मैंने ऑलरेडी कर लिया। हाँ, मैं जो वादा किया था मैंने मेरे कमरे में पूरा किया। रैन पड़े तब ही सो जाऊं, इस सहजता है। मैं तो उसको उलट टकरूं, जब ही नींद आए समझना रैन पड़ी, नींद आई। ये जैन मत है, यहां जैन लोगों का मत है, भूख लगे तब खा लो, नींद आए सो लो, नाचना नाच लो, गानों को मन चाहे गा लो। एक जैन फकीर के पास एक आदमी गया कि परमात्मा के बारे में कुछ कहो। ओशो ने ये दृष्टांत ओशो का कभी मैंने पढ़ा। तो जैन फकीर था, वो जैन महात्मा था। तो एक आदमी ने कहा भगवान के बारे में कुछ कहो। तो वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा साहब मैं बहुत गंभीर प्रश्न पूछ रहा हूं, आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहा हूं, पर आप हंसे जा रहे, तो वो और हंसे। बोले आप पागल हो गए क्या, और ऐसा हंस हंस करके मैंने पूछा कुछ और आप कुछ कर रहे, मुझे भी पागल कर दोगे, आप मेरे जवाब दो। तब फकीर ने कहा यही तो तेरा जवाब है,
कि जब हंसने को जी करे हंस लो, खाने को जी करे खा लो, सोने को जी करे सो जाओ। लेकिन एक वस्तु याद रखो, किसी को कूटने को जी करे तब खबरदार कूटना मत, और कूटना हो तो सुरेंद्र शर्मा को पूछ कर काम करना, मुझे पूछना। जैन मत जैसा लगता, रहन पड़े तब ही सो जाऊं। और कहते हैं भोर भये उठ आऊं, भोर भये तो मैं उठ जाऊं लेकिन उठी आऊं तेरे पास आ जाऊं। भोर होते ही तमस, रात तमस है, मेरा तमो गुण खत्म हो जाए तुरंत मैं गुणातीत की शरण में आ जाऊं। मेरा भोर हुआ, सुबह हुई, मेरा उजाला हो गया, जीवन का तमस गया और मैं गुणातीत त्रिगुणातीत के पास आ जाऊं। मेरा का ये अध्यात्म है। रैण पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भये उठ आऊं, जो पहिरावे सोई पहिरूं। मेरा ठाकुर मुझे जो पहराए वो ही पहनूं, जो पहिराए सोई पहिरूं, जो दे सो खाऊं, जो मुझे दे वो खा लूं, बस तेरा प्रसाद, इससे मेरा सब कुछ हो जाएगा। जो दे सो खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। मेरी और उनकी पुरानी प्रीत है, उनके बिना मैं रह न सकूं। जहां बिठाए तित ही बैठूं, मेरा कहती वो मुझे कह इधर बैठ जा, मैं वहां बैठ जाऊं। जहां बिठाए तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, वो मुझे बेच दे तो मैं बिक जाऊं। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जो तुम्हें अच्छा लगे जो करे सो मैं करूं, कहे सो करूं। जहां बैठाऊं तित ही बिठाए तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मेरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। मेरा के गिरधर नागर के पास मेरा के, ये दास्य भक्ति है, मूल में दास्याशक्ति है ये, जिसे मैं आसक्तियों की बात करता था उसमें की ये भक्ति है। दास्य भक्ति में ऐसा ही होता है, जो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा के समान और कोई सुसाहिब सेवा नहीं है। तो मेरा इस तरह एक लहर की भांति, एक मुक्त हवा की भांति खिली है। मेरा के मूल को समझ लो तो मीरा में क्रमशः कैसे फूल खिले हैं वो सब अपने आप समझ में आने लगेगा। पहले मूल को समझ लो, पहले मीरता को समझ लो या कुड़की को समझ लो, जो हो, पहले मूल को समझ लो तो चितौड़ अपने आप समझ में आ जाएगा, चितौड़ को समझ लो तो वृंदावन अपने आप समझ में आ जाएगा, वृंदावन को समझ लो तो फिर द्वारिका अपने आप समझ में आ जाएगा। ये क्रम है, लेकिन मूल को समझने से सब कुछ। हम कभी कभी मूल को नहीं देखते और शाखाएं पर लटक जाते। मीरा का मूल देखो, मेरी समझ मीरा के मूल से है। तत्वतः क्या है मीरा, इसके साथ जुड़ो। और मैं दो दिन पहले एक मैगजीन में एक छोटी सी घटना पढ़ रहा था, यहाँ ही मेरे पास बहुत किताबें आती हैं, बहुत, मैं जब समय थोड़ा मिल गया अकेला बैठा हूँ तो ले लेता हूँ किताब। उसमें एक मैगजीन थी, किसकी थी खबर नहीं, हिंदी में था तो मुझे रास आया। उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रयोगशाला के बाद मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें एक प्रयोगशाला का नाम, लेबोरेटरी का नाम लिखा, नाम में भूल गया। उसमें लिखा है कि वहाँ एक संशोधन हुआ कि एक ऐसा सेंसिटिव कैमरा बनाया इन लोगों ने। ये हकीकत है, एक कली थी, कली अभी फूल नहीं हुई है, कली है। मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया क्योंकि ये मुझे बहुत निकट पड़ती है, ऐसी रहस्यपूर्ण घटना है, बहुत बहुत सेंसिटिव, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म
प्रक्रिया को पकड़ने वाला कैमरा बनाए। एक बनी घटना, ये प्रयोग ऑलरेडी हो चुका है। और जब उस प्लेट को, इस चित्र को वो किया गया तो कली का फोटो नहीं आया, फूल का फोटो आया। मैं हैरान हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि ये क्या माजरा है। और वहां नाम के साथ बिल्कुल दस्तावेजी पुरावे के साथ बताया कि फूल बन गया। अब जिन्होंने ये शोध की, जिन्होंने ये चित्र लिया, वो भी हैरान है कि ये कुछ अंदर की प्लेट इधर उधर हो गई, कुछ केमिकल्स इधर उधर हो गए, या हाथ हिल गए ले रहे थे कली की, या कहीं फूल की ओर कैमरा चला गया। बहुत शंकाएं पैदा हुई इस रहस्य की ओर। एक बहुत मुश्किल में 2-3 घंटे उस पर बस चर्चा चली कि ये क्या माजरा है। फोकस तो किया था केवल कली को। हाँ जरूर, बहुत सेंसिटिव कैमरा था। सभी प्रयोगकर्ता एक निर्णय पर आ जाते हैं और कहा कि अब ऐसा करो, सुबह होने दो, यही कली का जो फूल खिल जाए, फिर उस फूल का फोटो लो, और ये फूल का फोटो और जो कली का फोटो हमने लिया वो दोनों एक है तो कोई रहस्य है। और कहते हैं सुबह में वही कली फूल बन गई, उसका फोटो लिया, दोनों फूल बिल्कुल रंच मात्र फर्क नहीं था। ये विज्ञान है। भारतीय रहस्यवाद को आज का विज्ञान इस तरह वैज्ञानिक उपकरणों से सिद्ध करने लगे हैं। वैसे मीरा के मूल को देखकर उनके फूल का चित्र आ जाता है। उपनिषद में ब्रह्म को कहा तू अणु से भी अणु है और तू महतो महियान, तू बड़ों से भी बड़ा है, तेरा एक अणु हम समझ ले, इसमें तेरा विराट का चित्र आ जाता है। मेरे देश ने इस रहस्य को पहले से खोल दिया कि हम बालक में ब्रह्म को देख लेते, हम फूल में ब्रह्म को देख लेते। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सूत्र हमारा आ गया। तो किसी भी संत साधु, किसी भी बुद्ध पुरुष, किसी भी सूत्र, उसके पहले सूक्ष्म रूप को जो पकड़, हम स्थूल की डालियों पर लटक जाते हैं। लटक क्या जाते हैं, कभी कभी आशियाना बना करके अपना गुजारा कर लेते हैं। मूल तक जाना पड़ता है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेर पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्कर, ऐसा मूल की ओर संकेत है। असली मीरा की समझ उसके मूल से प्राप्त होती है। धीरे 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 वो फूल द्वारका जाते जाते फूल बन गई, और फिर फूल द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित हो गया, पटाक्षेप हो गया मीरा का, अंतिम अध्याय हो गया मेरा। और यह केवल बुद्धि से मानने की जरूरत नहीं भी। आज भी मेरे पास एक दो प्रश्न ऐसे थे, मैंने छोड़ दिए कि मेरा सही में समाई होगी। अब छोड़ो ना यार, ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में कहते हैं कि ध्यान करने के लिए गुफा में गए, फिर बाहर नहीं आए, बात खत्म। यदगत्वान निवर्तन्ते, चैतन्य जगन्नाथ में समा गए, तुकाराम पंढरपुर में, विठल में समा गए, ये सब हमारे यहां बातें आती है। राम जल में समा गए, जानकी पृथ्वी में समा गई, पार्वती अग्नि में समा गई, शबरी अग्नि में समा गई, मरे कौन यहां। मानवीय मृत्यु केवल एक कृष्ण है, इसलिए पूर्ण अवतार है, मानवी मृत्यु धारण किया है, कोई ऐश्वर्य खड़ा नहीं किया। कृष्ण की मृत्यु के बारे में कोई चर्चा नहीं करा, निश्चर मानवी है, पूर्ण मनुष्य का मनुष्यता दिखा कर गए, तीर लगा चले गए। कबीर साहब के बारे में भी तो ऐसी बातें आती हैं कि उसका देह हो गया,
कपड़े से ढांका था, हिंदू और मुस्लिम में तकरार हो गई, वो कहते हम दफना देंगे, वो कहते हम अग्नि संस्कार करेंगे, और ये सब चला। तो कहते हैं कि चलो, किसी ने कहा कि भाई ये ऊपर का कपड़ा हटा दो, बाद और कहते हैं कि कपड़ा हटाया तो फूल का ढेर था, आधे फूल उसने अपनी मान्यता के मुताबिक कर दिए, आधे ने समाधि कर दी। मेरी समझ तो यही है, फूल कृष्ण समर्पित हो गया, जो भी हो सही जगह पर समर्पित होना। तो मीरा के बारे में कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हम इन पंक्तियों के आधार पर कर रहे हैं। तेही काली कालन साधन जोग जाग्य जप तप प्रत राम ही सुमी संतत सुनिए राम मीरा के बारे में कुछ तात्विक सात्विक चर्चा को यहाँ रोकते हुए कुछ कथा का थोड़ा ऊपर ऊपर से दर्शन कर लिया जाए। लेकिन इससे पहले दो चार मिनटों के लिए हरि नाम का संकीर्तन हो जाए। बदल रहा है वो इसीलिए भाव से, क्योंकि आखिर में तो रहा एक राम हरि, तो भाव से हाँ महाराज अपना आसन ग्रहण करे, भगवान धन्य हो। कहा कहो छवि आज की, भले विराज नाथ तुलसी मस्तक तब नहीं, ऐसा है तो आसन ग्रहण करे भगवान, तो आओ यार लो वो नहीं आए लो लो आ गई बस। तो अब एक दो मिनट मुझे सहयोग कीजिएगा, प्रभु का नाम हरि नाम का एक दो मिनट के लिए संकीर्तन करें, उसके बाद कथा के प्रसंग को मैं
संक्षेप में आगे बढ़ाऊं तो भाव से कुछ समय के लिए मेघ श्रीमन नारायण 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 गाइए लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 हरि बोल सत्य नारायण 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 सत्य सूर्य नारायण 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 सूर्य बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण राम नारायण 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 राम नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण
शंकर नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण सत्य नारायण नारायण प्रेम नारायण 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 करुणा नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नमो नारायण 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 नमो नारायण जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूर हरि का नाम संसार रूपी रोग का औषध है, तीनों प्रकार के शूलों को नाश करता है, इसीलिए हरि नाम। चैतन्य ने जीवन भर यही कहा, निताय गौर निताय गौर निताय गौर राधे 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 श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी यालरा सोयं सुरवर सर्वाधिप शशिनिभ श्री शंकर अयोध्या कांड का मंगलाचरण नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासाय चारु चापम
नमामि रामं रघुवं अयोध्या कांड के आरंभ में मंगलाचरण में पहले मंत्र में शिव जी की स्तुति की यस्यांके च विभाति भूधर सुता। संतों ने ऐसा बताया कि बालकांड ये व्यक्ति का बाल्यावस्था है, अयोध्या कांड ये व्यक्ति की युवानी है, ये यौवन का कांड है। और युवानी में मेरे भाई बहन शंकर को स्मरण करना बहुत जरूरी है। केर किस रूप को स्मरण किया तुलसी ने, यस्यांके च विभाति भूधर सुता। शंकर के वाम भाग में पर्वत राज की पार्वती विराजमान, तुलसी का संकेत, हे युवक युवानी में तेरी शादी होगी तब तेरी पत्नी तेरे पास बैठी होगी, तेरे दाम्पत्य को सुंदर बनाना, सुगंधी बनाना। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। लेकिन केवल शादी के बाद भोग में ही रस लो, लेकिन शंकर के शरीर मस्तक में जग गंगा है उसको भी याद रखना। जीवन के रस लेते लेते विवेक की गंगा को भूलना मत। हे युवक विवेक अक्षुण रख। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। भाले बाल विधुर साहेब, शंकर के भाल में चांद है। हे युवक तेरी जवानी में तेज होना चाहिए, और तेज आता है त्रिगुणातीत आहार से। आहार के तीन प्रकार, युवान भाई बहन भोजन करना, चूरमा खाना, बर्फी खाना, ये इसकी मना नहीं करना, लेकिन भोजन की विधियां भी देख लो। तीन प्रकार के हमारे यहाँ भोजन है, शाकाहार अथवा तो अन्नाहार, फलाहार और मांसाहार। मांसाहार तामसी भोजन है, फलाहार सात्विकी भोजन है, और अन्नाहार अथवा शाकाहार ये रजोगुणी भोजन है। लेकिन त्रिगुणातीत भोजन, ये भोजन तो करना ही है, सात्विक भोजन आदि जो हम खाते पीते, लेकिन गुणातीत भोजन कौन है? सौराष्ट्र की मीरा गंगा सती ने कहा है, जैने भजन नो आहार। हे युवान, मैंने कहा जब थोड़ा समय मिल जाए हरि भजन कर लो, यही सच्चा आहार है। और गुणातीत आहार का फायदा क्या होगा अनुभव करके देखना साहब। गुणातीत भजन का आहार करने का फायदा है चेहरे पे तेज और आंखों में भेज। चेहरे में तेज होगा और आंखों में भाव का जल होगा। युवानी में दोनों चाहिए। मेरे देश का युवान निस्तेज नहीं होना चाहिए, और मेरे देश का जुवान की आंखें सुखी ना होनी चाहिए, करुणा से, सद्भावना से, संवेदना से भीगी होनी चाहिए। जिसके चेहरे पर तेज और आंखों में भेज, ये भजन के आहार की फलश्रुति है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भोजन न करें, भोजन करना है, लेकिन इसको भी याद रखें। शंकर निरंतर भजन करते, भाले बाल विधुर गले च गरलम, शंकर के गले में जहर है। हे युवान, जुवानी में ही तुझे जहर पीना पड़ेगा। कोई बदनामी देगा, कोई निंदा करेगा, कोई पगबाधा बनेगा, कोई गैर समझ करेगा, ये सब जुवानी में तुम्हें झेलना होगा। जीव से शिव होना है तो जहर को कंठ में रखना। जहर पेट में उतारोगे तो जल जाओगे, जहर को बमन करोगे तो सामने वाला जलेगा। जहर को अपने कंठ का शंकर की तरह आभूषण बना लो, ये युवानी की ओर संकेत। गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट, भगवान शंकर ने सर्पों के गहने पहने। ये युवान, युवानी में तू आभूषण पहन, सोने चांदी के आभूषण पहन, लेकिन अंत तो गत्वा याद रखना कि ये भूषण कब भुजंग बन जाए कोई ठिकाना नहीं।
यही साप बनकर तुम्हें काटे ना, अतिशय आसक्ति सापिनी बन जाती है, शंकर की तरह उसको रखना तेरे सुख को। यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूष, शंकर ने भस्म का लेप किया है, खूब मौज करे युवान, खूब आनंद से जिए, खाए पिए, अच्छे वस्त्र परिधान करे, देश विदेश घूमे, लेकिन एक स्मरण रखे कि शंकर ने शरीर पर भस्म रखी हैं, इसका मतलब एक बार ये तन भस्म होने वाला है, इसका सुमिरन, इसलिए भस्म शरीर पर। तो शंकर की वंदना करके मुझे लगता है कि कुछ संकेत है युवानी की ओर। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशम। राम को राज मिलने की वक्त दूसरा श्लोक में छोड़ देता हूं। दूसरा श्लोक है कि प्रसन्नताया न गता न विषयकस्तथा न ममले वनवास दुखतः। राम को खबर मिली कि राज्य मिलने वाला है तो प्रसन्नता नहीं हुई, और दूसरे दिन खबर मिली कि वन जाना है तो न ग्लानी हुई। उसके चेहरा वैसा का है, युवान तुम्हें कभी विजय मिले और कभी हार मिले तो राम का आचरण करके अपने आप को संतुलित रखने की कोशिश करना, ये संकेत किया। लेकिन ये मंत्रों में यदि मार्गदर्शन न मिले तो युवानी का कांड होने के कारण बिल्कुल लोक बोली में तुलसी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर धारी बरनउ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। गुरु वंदना अयोध्या कांड के आरंभ में, हनुमान चालीसा में भी आरंभ में यही दोहा लिखा। यहाँ युवानी के कांड में पहले गुरु वंदना क्यों, मुझे उसका संकेत ये समझ में आया कि हे युवान, युवानी में ही किसी मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जहाँ तेरा मन तेरी बुद्धि तेरा चित्त झुक जाए और अहंकार तुम्हें बीच में बाधा न डाले, ऐसे किसी बुद्ध पुरुष के मार्गदर्शन में जीने का संकल्प युवानी में कर लेना। बूढ़े होंगे तब क्या खाक होगा, छींक आवे चौकठू निकली जाए। एक पति पत्नी थे ना, तो किसी मेहमान ने देखा कि आहा क्या दाम्पत्य जीवन है, 70 साल की उम्र में भी दंपति जीवन का जो शील अद्भुत है कि पहले पति भोजन करता है उसके बाद पत्नी खाना खाता, वारी जाऊं बलि जाऊं, मेहमान तो बिल्कुल अहोभाव में डूब गया। तो वो दादी जो थी ना, उसको कहा कि दादी माँ हद है, युवानी में आदमी दाम्पत्य को ठीक, आप तो बुढ़ापे में भी इतना दाम्पत्य कि पहले दादाजी भोजन करें फिर आप भोजन करें, शत शत प्रणाम आपको। तब बूढ़े ने कहा डेंचर एक ही है, चौकठा है ना एक ही है, पहले वो खा लें उसके बाद में धोकर मैं फिट करूं फिर मैं खाऊं, ऐसा समय आए। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, युवानी में दाम्पत्य ठीक रहा होगा, किसी मार्गदर्शक का मार्गदर्शन लिया। गतानुगति में किसी को गुरु मत बनाना साहब, तुम्हारी आत्मा झुक जाए, तुम्हारी परंपरा में भी कोई गुरु हो तो भी परिवार कहे कि इसको ही मानो ऐसा करें, तुम्हारा मन जहां मिल जाए, जिसके वचन में आपको सत्य दिखाई दे, जिसके आचरण में आपको सद्भाव दिखाई दे, जिसकी आंख में आपको शिकार नहीं लेकिन पूजा दिखाई दे, और जिसके प्रत्येक पग पग के आचरण में आपको मानो शास्त्र चलते हो ऐसा दिखाई दे, उनकी शरण में जीना। कोई चाहिए मार्गदर्शन, कोई जरूरी है।
इसलिए पहले गुरु बंद, या किसी की जरूरत न पड़े और आप ऐसे ही सीधे चले जाए तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम जैसों के लिए कोई चाहिए गुरु वंदना की। उसके बाद अयोध्या के सुख का वर्णन किया है, राम ब्याह कर आए उसके बाद बहुत सुख बढ़ गया अयोध्या। जानकी जी आई, महालक्ष्मी आई, इतनी बारिश हो रही है सुख की अयोध्या में कि रिद्धि सिद्धि और संपत्ति की नदियों में बाढ़ आई है। लेकिन तुलसी हमें संकेत करता है कि वर्षा अच्छी वस्तु है लेकिन अतिवृष्टि विनाश का कारण भी बन जाए, सुख की भी कोई सीमा हो। थोड़ी धूप चाहिए जो वर्षा में भीगे कपड़े को सुखा भी पाए, चाहिए जीवन में सुख दुख सापेक्ष है। अनुभवी बुजुर्गों ने कहा है कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। युवान को सावधान किया, अयोध्यावासी सुख में डूबे थे और इसी सुखों की वर्षा में अब दुख की धूप आने वाली है। राम वन गमन ये धूप है। मौसमों का वर्णन जब तुलसी पंथ कथा खर आतप पवनु, तुलसीदास जी जब मौसमों की गिनती करते हैं मानस में तब ऐसा बता देते हैं। एक बार दशरथ जी ऐसी सुखमय अयोध्या में राजसभा में विराजमान हैं, सब मंत्रिमंडल प्रजाजन गुरु आदि सब आ गए हैं और तुलसी जी कहते हैं राजा ने एक दर्पण हाथ में लिया, चेहरा देखा, जरा मुकुट टेढ़ा हुआ था ठीक किया, गौर से देखा तो कान के पास थोड़े बाल सफ़ेद हो चुके थे और महाराज दशरथ जी ने टेढ़े मुकुट से और सफ़ेद बालों से एक प्रेरणा प्राप्त की जो हम सबको लेने जैसी है, जब उम्र ढलने लगे तब। मैं बहुत प्रश्न उठाता रहता हूं इस प्रसंग पर पहले से कि एक सम्राट एक मर्यादा का कुल है रघुवंश, उसका राजा भर सभा में बैठकर जहां गुरुजन बैठे हैं पूरा मंत्री परिषद है, प्रजाजन बैठे हैं, सचिव गण बैठे हैं, वहाँ वो हाथ में दर्पण लेकर राज्यसभा में दर्पण में चेहरा देखे, ये क्या मर्यादा के अनुकूल है? राजा को दर्पण में देखकर ठीक ठाक अपने आप को मुकुट वुकुट ठीक करके आना चाहिए, ये तो ठीक नहीं लगता। आप कोई मीटिंग में बैठे हो और गंभीर चर्चा चलती है उसी समय दर्पण लेकर के आप टोपी वोपी ठीक करो तो ये कोई भद्र नहीं लगता, एक सामान्य विवेक मना कर देता है। ठीक है, दशरथ ने यह भूल क्यों की? लेकिन दशरथ ने भूल नहीं की, जब दशरथ दर्पण कब उठाया दशरथ जी ने, जब चारों ओर से दशरथ जी की प्रशंसा हो रही थी, महाराज जय हो जय हो, अद्भुत है आपके राज में सुख। दशरथ जी ने तुरंत दर्पण लिया। दुनिया में जब बहुत यश कीर्ति बढ़ने लगे ना तब आदमी को दर्पण में अपना निज दर्शन कर लेना चाहिए कि इस बधाई के योग्य मैं हूं कि नहीं। ये बहुत जीवन दर्शन मानस कराती है। और दशरथ जी ने देखा कि मुकुट टेढ़ा हो चुका है, मेरा बुढ़ापा आ गया, मुकुट अब ठीक नहीं है, ये टेढ़ा मुकुट कहीं गिर जाए इससे पहले युवक राम को राज्य दे दो, हस्तांतरित कर दो मेरी सत्ता, ये सोच आनी चाहिए। आज तकलीफ क्या है कि मुकुट गिर जाए तो भी कोई सत्ता छोड़ने को राजी नहीं, गिर जाए यार, रावण तो गिरा, दसों मुकुट धरती पर गिर गए तो अभी ले लेकर सिर पर रख दिया, छोड़ा नहीं। दशरथ और दशाननी वृत्तियों का ये अंतर मानसकार तुलसी ने बताया, टेढ़ा मुकुट हो जाए बूढ़ा लगे, अंतर दर्शन निज दर्शन। तुलसीदास जी ने ही लिखा है, मैं तो अपनी प्रस्तुति मेरी है लेकिन तुलसी ने लिखा क्या है, निज मन मुकुर सुधार, अपना मन दर्पण है। गाना है
એની હકા તારી ઈચ્છા હોય તો મને વાંધો નથી. હા ના ગા ને બેટા, ગાતું ગાતે ના ગા. તોરા મન દર ભલે બુરે સારે કર मन रूपी दर्पण में आदमी को देखना होगा कि कहीं मुकुट टेढ़ा तो नहीं हो गया, और टेढ़ा नजर आए तो जब पूरी वाहवाह होती हो उसी समय योग्य व्यक्ति के सिर पर मुकुट रख देना. दूसरी बात, सफेद बाल कान के पास दशरथ जी ने दर्पण में देखे. मैंने बुजुर्गों से सुना है कि आदमी एक समय में, आजकल तो खुराक बदल गई, शरीर के शायद केमिकल्स बदल गए जो हो, इसलिए हमारे बाल जब सफ़ेद होना शुरू होते हैं तो कहीं से भी शुरू हो जाता है, दाढ़ी से शुरू हो जाए, सिर के शुरू हो जाए. लेकिन बुजुर्गों ने सुनाया कि पहले के समय में सफ़ेद बाल की शुरुआत सदैव कान के पास होते हुआ करती थी. क्यों? कि सफेद बाल ये बुढ़ापे का आगमन है, और वो हमारे कान में कुछ कहने के लिए आता है, कान पकड़कर कुछ कहता है, मंत्र कान में दिया जाता है, इसलिए कान में कह देता है कि तेरा बुढ़ापा आ गया है, काले बाल खत्म हुए हैं, श्वेत बाल आने लगे, इसलिए काले धंधे छोड़, उज्जवल काम कर. यही तो संकेत हो सकता है साहब. अब क्या हुआ कि कहीं भी बाल सफेद होने लगते, इसलिए हम ये संकेत पकड़ नहीं पाते. तो मुकुट टेढ़ा हो जाए, बाल सफेद होने लगे, क्रमशः निवृत्ति की ओर बढ़ना, ये संकेत है. अब आप मुझे पूछे कि दशरथ जी ने तो मुकुट पहना था इसलिए टेढ़ा हुआ तो पता लगा, हम मुकुट कहाँ पहनते हैं, तो टेढ़ा हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता लगा. स्थूल रूप में मुकुट की जरूरत नहीं प्यारो. आप दफ्तर से घर आए और पिताजी आए ही, बाबूजी आए हैं, सुन करके पूरे घर में शिस्त आ जाए, छोटे छोटे बच्चे शरारत करते बंद हो जाए, नौकर चाकर ठीक हो जाए, सब सब ठीक होने लगे, आप बैठे इतने में तो कोई आकर तुम्हारे बूट की वो खोल दें, बूट निकाल दें, अपनी जगह रख दें, आपको बिठाएं, आपको पानी का प्याला दे दें, दूध दे दें, ये सब होने लगे, समझना कि अभी मुकुट टेढ़ा नहीं हुआ है. लेकिन कुछ उम्र के बाद घर में आओ, खुद के बूट खुद उतारो, बैठ जाओ, पांच सात बार चिल्लाओ कि मैं आ चुका हूं, मुझे कोई पानी पिलाओ. एक सागर ने आवाज दी, एक आवाज दी, समंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, बढ़ा दीजिए. लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा
आप जरा मुस्कुरा दीजिए। कथा में है आप, राम कथा में। चांद कब तक ग्रहण में रहे, चांद कब तक ग्रहण में रहे, जरा जुल्फे हटा दीजिए, जरा जुल्फे हटा। बहुत प्यारा शेर, ये तो जरा नोटी शेर है, जरा जुल्फे हटा दीजिए, जरा नोटी शेर है, लेकिन प्यारा शेर यह है। क्या है? मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ कोई तोहमत लगा दीजिए, कोई तोहमत लगा दीजिए। एक समंदर ने आवाज दी, समंदर ने आवाज दी, मुझको पानी लज्जते गम बढ़ा दी। यारो घर के सदस्य तो क्या, लेकिन नौकर चाकर भी तीन चार बार आप चिल्लाओ कि मुझे पानी दो पानी दो, तब भी गिलास से पानी इधर उधर करता हुआ नौकर भी बिल्कुल चिढ़ाया हुआ आए और कहे, बाबूजी कम चिल्लाते हो, तो हम कोई आराम थोड़े खरमा रहे थे, हम दूसरे काम पे आते ही चिल्लाना शुरू कर देते हो। ऐसा नौकर भी बोलने लगे तो समझना कि मुकुट टेढ़ा हो चुका, अब हरी भजो, इंतजाम करो, जीवन का टाइम टेबल बना लो। हाँ, घर में पंखा हो तो मैं जहाँ जाऊँ 9 दिन तो मुझे रहना होता है। मेरे कमरे में कौन से पंखे की, हीटर की, एसी की स्विच कहाँ है मुझे सब पता हो जाता है एक दिन में, ठीक है ना, कि वहाँ रहना तो सब पता। मुझे ये समझ कि पंखा कितना रखना तो इसको घुमा दो, एसी कितना रखा पट 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 कर कर दो, ये सब स्विच का पता होता है, ठीक है। हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारे घर में इतने समय से हम रह रहे हैं शरीर में, लेकिन अभी तक स्विच नहीं समझ पाएगी कि क्रोध कब बंद करना, लोभ कब बंद करना, काम कब बंद कर। स्विच पकड़ने का, स्विच को भान कराने का काम राम कथा करती है। कोई अज्ञात होटल में पता लग जाता है 2 दिन रहो कि यहाँ ये स्विच है, लेकिन खुद के घर में अभी तक वो बिंदु कहाँ है कि जहाँ क्रोध कम हो, वो बिंदु कहाँ है जहाँ कामना कम हो। इसलिए युवानी में जरूरत है कोई गुरु की। सफेद बाल होने लगे, मुकुट टेढ़ा होने लगे, तब टाइम टेबल बना रहे, कोई धक्का देकर निकाले इससे पहले अपने आप समझदारी से, ऐसे धीरे धीरे असंग होना कि जन्म जन्म परिवार याद करे कि था हमारा कोई पुरजर के। हाँ सर, ये वरना तो कई घरों में तो लोग मानता करते हैं कि बाबा जाए। हमारे देहातों में ऐसा होता है, सास होती है ना, मरे नहीं तब तक चाय खांड के डिब्बे अपने यहाँ ही रखती है, एक और चाय का डिब्बा, एक और चीनी का डिब्बा। मेहमान आए तो बहू को जाना पड़ता है कि मेहमान आए चाय बना, कौन आया, शरीर को स्नान करवाया, सरजू के तट पर मानो स्वर्ग की सीढ़ी बनाई हो ऐसी चिता रची। महाराज दशरथ जी का अग्नि संस्कार हुआ,
पिता के पास ज्येष्ठ बंधु की गैर मौजूदगी में ही जो करना चाहिए भरत ने हर दायित्व पूरा किया। फिर एक महत्व की सभा वशिष्ठ जी के प्रमुख स्थान पर बुलाई गई जिसमें राज्यगादी का निर्णय करना था। भरत को सबने समझाया कि पिता को वचन प्रिय था इसलिए प्राण त्याग किया। वो पिता के दो वचन थे, राम को वनवास और तुम्हारा राज्य। राम ने वनवास जा करके पिता के वचन को पूरा किया। अब गादी भोग कर तुम पिता का वचन पूरा करो। 14 साल के बाद दोनों भाइयों को जो करना कर लेना। सबकी बातें भरत ने सुन ली। भरत जी ने कहा कि मेरे लिए आप सब एक होकर ये नहीं कहोगे तो किसके लिए कहोगे? ये मेरी बीमारी का उपचार नहीं है। ग्रह दशा जिसकी बैठ गई हो ऐसे आदमी को फिर वायु का रोग हो। ग्रह रहित पुण्य बात बस तेही पुण्य बिच्छू मार, फिर उसको बीच ही काटे और फिर उसको कोई शराब पिला दे तो क्या इसका कोई इलाज हो सकता है? मेरी दशा मां गुरुदेव आज ये है, मुझे माफ करे। मैं कहना चाहूंगा, भरत जी ने कहा, मैं पद का आदमी नहीं हूं, मैं किसी की पादुका का आदमी हूं, मैं सत्ता का आदमी नहीं हूं, मैं परम सत्य का उपासक हूं। यदि मेरा हित चाहते हो तो मुझे ले चलो चित्रकूट, जो फैसला हो वो राम के सामने जो हो। लेकिन सबको भरत का निर्णय अच्छा लगा। निर्णय आखिर में जो हो लेकिन इस बहाने कम से कम राम दर्शन हो जाए। चित्रकूट जाने का, पूरी अयोध्या का निर्णय, राज्याभिषेक की सामग्री साथ में ले ली गई। यदि ठीक से बात हो तो राज्याभिषेक वहीं ही कर दिया जाए। यात्रा शुरू होती है। रास्ते में मुकाम करते करते भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं। भगवान दौड़े, सब जनता का स्वागत हुआ। भगवान राम के सामने पितृ मरण की खबर सुनाई। दिव्य मानव लीला है। ईश्वर होते हुए प्रभु 9 वर्ष आ गए। जानकी जी सासुओं के पास रो पड़े। सबका उतारा हुआ। राम के समीप रहने का अवसर मिला है, सबको दुख भूलने लगे। महाराज जनक भी पूरी जनकपुरी लेकर चित्रकूट आए हैं। बड़ी बड़ी सभाएं होती रही लेकिन राज्य का निर्णय नहीं हो पाया कि क्या किया जाए। न राम को कुछ कहा जा सकता, न भरत पर कोई दबाव डाला जा सकता। और राम और भरत तो एक दूसरे पर डाल देते हैं, मेरा प्रभु जो कहे सो करूं, और राम कहे नहीं मेरा संत कहे सो करो। आखिर में निर्णय होता है, राम वन में रहे, भरत अवध जाए, पिता की आज्ञा रह जाए। 14 साल के बाद राम लौटे, फिर राज्य राम को लौटा दिया जाए। भरत ने मांग की, मुझे 3-4 दिन और रहने की इजाजत दो, मैं चित्रकूट की परिक्रमा करूं, तीर्थों का स्नान कर। भरत ने यात्रा की। अब जाने का दिन आ गया। अवध और जनकपुर का समाज चुपचाप खड़ा है, प्रभु विदा देने के लिए खड़े हैं। वातावरण पूरा गमगीन है। माताएं चुपचाप डोली में बैठ चुकी है और यहां भरत जी ने करबद्ध प्रार्थना की कि प्रभु मैं अयोध्या तो जाऊं लेकिन बिना आधार में जी नहीं सकूंगा, मुझे कोई आधार चाहिए। और तब भगवान ने अपनी पादुका भरत को दी। गोस्वामी जी ने लिख दिया, प्रभु करी कृपा पावरी की सागर
पादुका दी, भरत जी ने पादुका सिर पर धारण किया, एक तसल्ली हो गई कि जहां पादुका होगी वहां पैरों को आना पड़ता है। राम के चरण अयोध्या जरूर आएगा, आएंगे, क्योंकि मैं पादुका लिए जा रहा हूं। अवध को विदा दी। भरत के जाने के बाद राम लखन जानकी अकेले होते ही रो पड़े। राम कथा प्रेम कथा है। रास्ते में मुकाम करते हुए भरत अवध पहुंचते हैं। शुभ दिन शोध कर पादुका को राज्य सिंहासन पर प्रस्थापित करके पादुका को राज्य दिया। गांधी जी को ट्रस्टीशिप का विचार वहीं से आया था, इस पादुका प्रकरण से। पादुका को पूछ पूछ कर मैं राज्य का संचालन करूंगा। जनक जी सुव्यवस्था करके जनकपुर गए। फिर अंतिम एक विशेष करुण घटना घट जाती है। एक दिन भरत जी माँ कौशल्या के पास गए हैं। मैंने कई बार आपको सुनाया है कि दशरथ जी की मृत्यु के बाद कौशल्या जी अपने कमरे में नहीं सोती हैं। उसी कमरों के जिस कमरे में राम का प्रागट्य हुआ था उसके बाहर एक चट्टाई बिछाकर वहां बैठी रहती। भरत आए, प्रणाम किया। मां, हाँ भाई, बेटे वन से कोई खबर आई? सब कुशल है, सब कुशल। अक्सर गुहराज संदेश भेज देता है, सब ठीक। अच्छा बेटे, मां ने समझ लिया कि भरत कुछ कहना चाहता है। मां, एक बात पक्की है क्या? मेरा जन्म तुम्हें दुख देने के लिए हुआ? भरत, फिर वही बात। अब तो बंद कर बेटे, हम दुखियों को कितना दुखी कर रहा है। नहीं मां, एक बात, मेरा जन्म नहीं होता तो तुझे वैधव्य नहीं आता, तेरा राम वन में नहीं होता। ये मेरे जन्म के कारण हुआ, तेरी उदारता, तेरा वात्सल्य, कुछ भी कहे लेकिन हकीकत हकीकत रहेगी। तू कहना क्या चाहता है? माँ, मैं कहीं भाग नहीं जाऊंगा, मैं रोज तेरे पास आऊंगा, राज्य संचालन करूंगा मां, लेकिन मैं नंदीग्राम में कुटिया बनाकर जीऊं? समझ गई रामचंद्र जी, इसको रोकना भी मुश्किल है, यदि उसको जीवित रखना है तो इस प्रेमी की इच्छा जो हो वो कर देना चाहिए। अंदर बहुत आघात लगा मां को। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि भरत, हमको लगता है कि हम धर्म की व्याख्या करते हैं, तुम जीवंत धर्म का सार हो, धन्य हो। भरत ने वलकल परिधान कर लिए, मां का आशीर्वाद मांगा है। रामचरित मानस में नहीं लिखा लेकिन मेरी व्यासपीठ को लगता है उस समय सबसे दुखी एक व्यक्ति थी और वो शत्रुघ्न। इस भवन के खंभे को लिपट कर चुप खड़ा है, आंखें बरस रही थी। मां कौशल्या ने देखा, शत्रुसुदन बेटे धैर्य धारण कर, मां
माँ के पैर पकड़ ली। बिल्कुल चुप रहता है ये युवान, और जो बिल्कुल चुप रहता है ना उसके दिल की पीड़ा को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। भैया रो मत, कुछ कहना चाहते हो तो चुप रहता है, कभी बोला नहीं, आज मुझे कुछ कहना। सब चुप हो गए, शत्रुघ्न क्या कहेगा। मां भगवान वन में, लखन भैया वन में, मेरी माता तुल्य जानकी वन में, मेरे पिता स्वर्ग में, भरत भैया नंदीग्राम जाने का निर्णय कर बैठे, मुझे तुम बताओगे कि मैं अब कहां जाऊं। मैं कहां जाऊं अब। कौशल्या ने शत्रुघ्न के आंसू पोंछते हुए सिर को गोद में रखते हुए कहा, बेटे मुझे एक सवाल का जवाब दे, इसमें तेरा जवाब है। क्या? तुम किस कुल में पैदा हुए हो, वंश का नाम क्या है? सूर्य वंश। बेटा सूर्य निरंतर तपता है, सूर्य वंशियों को भी निरंतर जलना होगा यदि दूसरों को जीवन देना है। बहुत पुरानी फिल्म थी, उसका टाइटल सॉन्ग था, जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहे, सूरज रे जलते रहे, लिखा है तेरे ही भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। मानस में लिखा नहीं मेरे भाई बहन, लेकिन भरत जी गए नंदीग्राम, शत्रुघ्न सेवा में लगे हैं, लेकिन अपनी सब कुछ इच्छाओं को समाप्त करके दूसरे के भजन में जो सहयोग कर देता है चुप चुप, उसका भजन सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। नंदीग्राम में कुटिया एक गड्ढा बनाया, भरत गड्ढे में रहने लगे। बड़े बड़े तपस्वी और मुनि लोग भरत के जीवन की तपस्या से शर्मिंदे होने लगे। दिन बीतते चले, तुलसीदास जी अयोध्या कांड को विराम देते हुए कहते हैं, राम प्रेम पीयूष पूरन होए, जन्म मन भरत तू मुनि मन मन अगम जमनी राम समदम व्रत आचरण दुख दाह।
सठन हठिरा सन्मुख कर चरित करिने तुलसी जे सादर सी। त्याग और प्रेम की कथा जो श्रद्धा से सुनेंगे सिय राम पद प्रेम, उसके परम के चरणों में प्रेम जगेगा और प्रेम आते ही अपने आप त्याग फलित होने लगेगा। इति श्रीमद राम चरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम अयोध्याकांड समाप्त। श्री सीताराम चंद्रार्पण। मैंने अति संक्षेप में अयोध्या कांड गाया, फिर भी आपका ज्यादा समय लिया, क्षमा करिएगा। आज की कथा को विराम दूं, इस पूरे एक मिनट सिर्फ। हरे रामा रामा राम सीता राम, हरि बोल। हरे रामा रामा राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। पवन तनय संकट हरण लखन सीता सहित सुर बोलिए हनुमान जी महाराज।
आज की कथा विराम ले रही है। कल सुबह 9:30 बजे फिर भगवत चर्चा भाव से। रामचंद्र भगवान प्रिय बाल कृष्ण भगवान प्रिय सदगुरु भगवान प्रिय ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
की कली ग्रंथन को रस भूलि जल धर गावत संतत शंभो भवानी घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि ब्रह्मानी पग कुसुमी गल के आरती श्री हरणी शैन सुखी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव जिन्वमवसे भूमहे वयम् भूषा नो यथा
वेद साम सद्बुद्धि रक्षिता पायुरदग्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु कुशलस्वा मरुत रुष्णीमातर शुभम यावानो विदते सुजगमय अग्निजिह्वा मनवसुरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विश्वयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवां सस्तनूर्यशेम देवहितं यदायु शतमिन्नु शरदो मन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जलसन्तनूनां पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषदायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिविशान्ति प्रापश्शान्ति दोषदयशान्ति वनस्पतयशान्ति विश्वे देवाशान्ति ब्रह्मशान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति एवारेव एवायज्ञे एवाहिन्द्रः एवाहि भूषन् एवाहि देवा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम्।